It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GET contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GET till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GET deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GET challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello everyone. A very good evening to all of you. Welcome to the platform of Unacademy. और आज है आपका केमिकल टेक्नोलॉजी का जो रिवीजन सेशन चल रहा है उसका थर्ड लेक्चर. और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने एक नए टॉपिक के बारे में, दैट इज द पेट्रोलियम रिफाइनिंग. आज इसका हम लोग रिवीजन जो है ना वो कवर अप करने वाले हैं. ठीक है, तो भाई जुड़ जाओ. आई थिंक आपकी जो ऐप की क्लास चल रही थी सीआरई की वो फिनिश हो गई होगी. ठीक है ना, अभी तक कोई आया नहीं है. आई थिंक अभी सीआरई क्लास फिनिश नहीं हुई है. चलो कोई इश्यू नहीं है, स्टार्ट करते हैं फिर अपन लोग. तो आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन होने वाला है आपका पर्टिकुलरली सीआरई के लिए. सीआरई का आपका क्लास फिनिश होने के बाद अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले केमिकल टेक्नोलॉजी और उसका. शाश्वत बेटा गुड इवनिंग. ठीक है ना, बुला लो फटाफट, बुला लो, एक बार मैसेज डाल दो सभी को. अगर सीआरई क्लास ओवर हो गई हो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर, नहीं तो अगर छूट जाएगा तो फिर दिक्कत होगी. ठीक है, तो आज नया टॉपिक है भाई पेट्रोलियम रिफाइनिंग. क्विक रिवीजन हम लोग मार के चल रहे हैं अभी तक. जो कल रिवीजन किया, जो परसों रिवीजन किया, वो एक बेहतरीन फॉर्म में आप करके चल रहे हो, उससे क्वेश्चन लगाते जाओ. ठीक है ना, कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है तो उसको पूछने का ट्राई करो. मनीष सर भी जुड़ चुके हैं. ठीक है ना, आ रहे हैं धीरे धीरे सब अभी. जयेश बेटा काफी देर से आप वेट कर रहे हो, मैं देख रहा हूं आप काफी देर से वेट कर रहे हो. अच्छा, अभी सीआरई चल रही है. चलो कोई दिक्कत नहीं है, बस यही होने वाला है. अब आप एक साथ दो दो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी. ठीक है, बाकी सब आते रहेंगे, अभी ज्वाइन करेंगे धीरे धीरे करके. तो अभी आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, एक बेसिक सबसे पहले जो बात आती है कि भाई ये 12 जनवरी से अपना कॉम्बैट स्टार्ट हो रहा है. ठीक है ना, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएसआईटी का कॉम्बैट जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है 12 जनवरी से. तो उसको आप लोग ज्वाइन करिए, जो बाकी ब्रांचेस के बच्चे हैं. वैष्णवी बेटा हेलो, तो आप इसको ज्वाइन करिए कॉम्बैट को. इसमें अच्छे अच्छे प्राइजेस भी हैं. अगर आप फर्स्ट रैंक लेकर के आते हैं तो 3 मंथ्स का आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा. अगर आप सेकंड और थर्ड रैंक में आते हैं तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है. अगर आप 4 से 100 रैंक के बीच में आते हैं तो आपको 500 रुपीज का अमेजोन का गिफ्ट वाउचर मिलने वाला है. ठीक है ना, तो बेहतरीन फॉर्म में स्ट्रेटजी और बेहतरीन फॉर्म में प्रिपरेशन करने का एक अच्छा मौका रहता है. लेकिन केमिकल में ये अभी स्टार्ट नहीं है कॉम्बैट. ठीक है ना, हम लोग कुछ और लेकर के आने वाले हैं केमिकल के लिए. और अभी ऐसा कोई भी नया नहीं जुड़ा है जिसको मेरे इंट्रोडक्शन की नीड है. लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि लगातार 5 साल से टीचिंग करने के बाद अभी मैं अनअकैडमिकल प्लेटफॉर्म पे हूँ. और अभी जो सब्जेक्ट मैं कवर अप कर रहा हूँ वो केमिकल टेक्नोलॉजी है. इसके बाद हम लोग जो आने वाले हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट जो लेकर के मैं आऊँगा, दैट इज द मैकेनिकल ऑपरेशन फ्लूइड मैकेनिक्स. बीच बीच में आपको डाउट्स क्वेश्चंस मिलते रहते हैं. और आईपीसी का जो न्यू टॉपिक है वो मैं कवर अप करूँगा. ठीक है ना, बहुत जल्द. और मेरा कोड सभी को धीरे धीरे याद हो जाएगा, डेली क्लास ले रहो PAX 100, ये कोड है. आप इन फ्यूचर अपने जूनियर्स को, हाँ एमओ लेकर के आऊँगा यार, एमओ को अच्छे से रिवाइज करना है अपने को. ठीक है ना, क्योंकि एमओ जो है ना वो सीटी से भी छोटा है. तो एमओ को कितनी अच्छी तरह से रिवाइज करना है वो भी पता चलेगा अभी आगे. तो अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो तो वहाँ पर आपके पास जो सेकेंडरी और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके पास प्लस और आइकॉनिक दो टाइप के सब्सक्रिप्शन प्लान अवेलेबल होते हैं.
हाँ ठीक है, थैंक यू बेटा जयेश। तो दो टाइप के प्लान अपने अवेलेबल होते हैं, एक प्लस दूसरा आइकॉनिक। प्लस में आपको क्या है कि लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स, लगातार आपको वीकली टेस्ट मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन, और दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश में। लेकिन अगर आप आइकॉनिक की तरफ जाते हो तो उसमें आपका पर्सनल, एक तरह से आपके लिए पर्सनल कोच, पर्सनलाइज टेस्ट, पर्सनलाइज आपके बूस्टर सेशन, ये सारे आपके लिए अवेलेबल होते हैं स्पेशली फॉर यू। तो ये बेनिफिट होता है हमारा आइकॉनिक प्लान के लिए, ठीक है ना। ये हमारी पूरी की पूरी सिविल की टीम है जो कि लगातार बेहतरीन कर रही है और स्टूडेंट्स फायदा भी उठा रहे हैं सिविल के। प्लस के कुछ प्लान्स हैं जो कि 1 and 1.5 and 2 years के टर्नओवर में अवेलेबल हैं, ठीक है ना। आप इनमें से कोई भी परचेज कर सकते हो, या तो आप मंथली बेसिस के टर्म पे यूज़ कर सकते हो, या तो आप ईयरली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हो, मतलब कि एक साथ पेमेंट करके, ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट्स और वन टाइम पेमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है। और अगर आइकॉनिक की तरफ आप मूव करते हो तो उसमें 1 and 2 year का प्लान ही है। तो बेस्ट जो पार्ट है अन अकेडमी का वो आइकॉनिक का है, जो कि अभी अभी स्टार्ट हुआ है, केवल प्लस पहले स्टार्ट चलता था, ठीक है ना। तो इसकी तरफ अगर आप मूव करते हो तो इसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट होने वाला है जो भी सेकंड या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो ये प्लान्स आपको तब यूनिट पड़ेगी जब आपका पर्टिकुलर बैचेज स्टार्ट होंगे। जब बैचेज स्टार्ट होंगे अभी तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज का एंजॉय कर रहे हो, ठीक है ना। चलो जुड़ रहे हैं भाई सभी लोग। मुझे फॉलो करने के लिए आपको अन अकेडमी ऐप में अगर जाओगे तो ये मेरा एक यूजर नेम है जो कि अभी तक चल रहा था, आई थिंक आज से मेरा यूजर नेम चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो आपको नया यूजर नेम है ना, वो भी आपको नेक्स्ट क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा। और होपफुली मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि आपका कल से सीटी की श्योर मार्क्स सीरीज में एक लेकर के आ रहा हूँ। मतलब कि पर्टिकुलर अगर वो आप सीरीज को अटेंड करते हो तो वहां से आपका उस कंटेंट या उस टॉपिक से जो मार्क्स है वो सिक्योर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो एक सीरीज में लेकर के आ रहा हूँ, वो मे बी कल से आएगी, नहीं तो डे आफ्टर टुमारो भी वो आ सकती है, प्लान कर रहा हूँ मैं। तो आज के बाद, क्योंकि आज आपका जो कल वाला सेशन था ना पॉलीमर वाला, तो वो पॉलीमर वाला सेक्शन जो फिनिश हो गया है, अब उसके क्वेश्चन से हम लोग स्टार्टअप करना चालू करेंगे। लेकिन क्वेश्चन कौन से करेंगे, अभी जो मैं लेकर के आ रहा हूँ वो श्योर मार्क्स सीरीज है, ठीक है ना। जब श्योर मार्क्स सीरीज आप कर रहोगे फिर हम लोग लेकर के आएंगे कुछ एक अनदर लेवल, ठीक है ना। तो बस इस तरह से प्रैक्टिस करते रहो, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हर चीज आप लगा के बैठो, सब मुझे पता है, सब रट के बैठो, कुछ नया क्या करना है। तो बस नया डेली का डेली खेलते जाओ, ठीक है ना। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है गेट अन अकेडमी के, गेट के लिए, सिविल ब्रांच के लिए है, ठीक है ना। इस पर हम लोग भी अवेलेबल हैं। और ये हमारे कुछ टॉप चैनल्स हैं यूट्यूब के अन अकेडमी के, जिसपे डिफरेंट ब्रांचेस के कोर्सेज जो है ना वो अवेलेबल रहते हैं, आप इनसे बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। चलो तो अभी स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, अन अकेडमी ऐप में देखो ऐसा रहेगा ना कि अन अकेडमी ऐप में हम लोग कम टाइम में ज्यादा चीजें डिस्कस कर लेंगे, वहां पर काफी सारी फैसिलिटीज रहेंगी, ठीक है ना, आपके लिए भी इजी रहता है। तो कोर्स जो है ना, क्रैश कोर्स में कितने लेक्चर्स लेने, बेटा ये क्रैश कोर्स नहीं है, ये रिविजन सेशन चल रहा है, ठीक है ना। श्रीपद बेटा ये क्रैश कोर्स नहीं है, क्रैश कोर्स इसका अभी हम लोग पहले कर चुके थे, तो क्रैश कोर्स की अभी हाँ पोलिंग सब कुछ करेंगे यार जय, सब कुछ करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। पहले ही क्वेश्चन को ये देखना है, जो क्वेश्चन आने वाला है, जो श्योर मार्क क्वेश्चन आने वाला है सीरीज में, तो वो क्वेश्चन आप कितना टाइम लगाते हो करने में, ठीक है ना। गुड इवनिंग, कितने लोग जुड़ गए भाई, 21 हो गए। अभी क्लास छूटी कि नहीं छूटी सीआरई की, स्टार्ट करें फिर, स्टार्ट करा जाए। तो कल का वेट करो, ठीक है ना, हो सकता है कल आज नाइट में आपको पता चल जाएगा कि कल से आपका ये जो सीटी का जो श्योर मार्क सीरीज है वो स्टार्ट हो रही कि नहीं। कल से नहीं तो डे आफ्टर टुमारो, मतलब परसों, तो पक्का डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक बेहतरीन फॉर्म में चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई, बाकी लोग जो है वो ज्वाइन करते रहेंगे। तो फिर से एक बार जितने लोग लेट ज्वाइन किए हैं सबका वार्म वेलकम है, गुड इवनिंग है। और आज अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग का पार्ट, लेकिन मैंने कल क्या बोला था, जैसे जैसे प्रीवियस लेक्चर फिनिश होता जाएगा मैं उसका एक, ठीक है ना, 5 या 10 minutes का एक क्विक रिवीजन मारते हुए नेक्स्ट टॉपिक में आऊंगा, ताकि आपने जो कल पढ़ा था, जो आपने परसों पढ़ा था, वो भी आज रिकॉल हो जाए, ठीक है ना, एक ओवरव्यू के साथ में। तो आप सीटी एक तरह से डेली रिकॉल कर रहे हो, आपका रिवीजन लेक्चर जो आप देख रहे हो उसमें आप डेली का डेली सीटी जितनी भी पढ़ते जा रहे हो वो आपकी रिकॉल होती जा रही है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्टिंग किया था पॉलीमर वाला सेक्शन से, फटाफट एक क्विक रिवीजन मारते हैं, ठीक है। तो पॉलीमर सेक्शन में सबसे पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया था व्हाट इज पॉलीमर। तो पॉलीमर को हम लोगों ने डिफाइन किया था पर्टिकुलरली स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ द रिपीटिंग मैनर ऑफ मोनोमर यूनिट्स।
उसको हम लोगों ने बोला पॉलीमर। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को सिंपली हम लोगों ने डिफाइन किया था द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स विच कंसिस्ट इन द पर्टिकुलर चैन और स्ट्रक्चर आर नोन एज द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो रिपीटिंग यूनिट और स्ट्रक्चर यूनिट के बारे में हम लोगों ने फिर डिस्कशन किया था कि रिपीटिंग यूनिट्स क्या होती हैं और आपका स्ट्रक्चर यूनिट्स क्या होती हैं। पर्टिकुलर किसी चैन में जितने भी नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो आपका मैक्सिमम टाइप रिपीट हो रहा है दैट इज नोन एज द रिपीटिंग यूनिट्स। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था पर्टिकुलरली जितने वैरायटी ऑफ पॉलीमर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था, डिफरेंट वैरायटीज, डिफरेंट क्लासिफिकेशन। उसमें से मेजरली हम लोगों ने जो डिस्कस किया आगे आकर के वो अपना सबसे पहले जो आया था वो आया था एडिशन या फिर चैन ग्रोथ। एडिशन में अपने को ये पता चला कि यहाँ पर रिएक्शन जो होती है ना वो काफी फास्ट होती है, रिएक्शन का रेट आपका फास्ट होता है, लेकिन रिएक्शन हमारी तीन स्टेप पे कंप्लीट होती है, इनिशिएशन, टर्मिनेशन, प्रोपोगेशन के टर्म में। इनिशिएशन की काइनेटिक एनर्जी आपकी हाई होती है इसलिए रिएक्शन का रेट हाई होता है, इसलिए इनिशिएशन वाले टर्म का जो एक्टिवेशन एनर्जी है दैट विल ऑल्सो हाई। ठीक है, प्रोपोगेशन का सिंपल सा टर्म ये होता है कि अपने को अगर फ्री रेडिकल या फिर कोई भी इनिशिएटर अगर मिल जाता है तो वो आपका रिएक्शन को इनिशिएट करेगा और वो इनिशिएट करने के बाद सिंपल सा एक फ्री रेडिकल आपका अवेलेबल रहेगा थ्रू आउट द रिएक्शन। अब वो कंटिन्यूस आपके चैन को ग्रो अप करता रहता है। टर्मिनेट होने के लिए कोई भी जो ग्रोइंग चैन है उनका अगर फ्री रेडिकल एंड अगर आपस में आपका अटैच हो जाता है तो वहां से आपकी रिएक्शन जो है टर्मिनेट हो जाती है, या फिर कोई भी इंप्योरिटीज आप ऐड कर देते हो तो भी आपकी रिएक्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था एडिशन के बाद में कंडेंसेशन के बारे में। कंडेंसेशन हमारी सिंपली क्या है, वो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन है जहां पर हमारा मोनोमर से डाइमर, डाइमर से ट्राइमर, ट्राइमर से पेंटामर, पेंटामर हेक्सामर, इस तरह से फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, और इसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था पॉलीमराइजेशन टेक्निक के बारे में। तो सिंपली दो टाइप के टेक्निक हम लोगों ने डिसाइड की थी, हेटरोजीनियस एंड होमोजीनियस। तो होमोजीनियस के अंदर सिंपल आपका जो मोनोमर है या पूरा पूरा रिएक्शन जो है ना एक फेज में हो रही है, मतलब कि मोनोमर वहां पर केवल अवेलेबल है, या फिर अगर आपका इनिशिएटर भी है ना वो भी सेम फेज में है, वहां पर कोई भी डिफरेंट फेज अवेलेबल नहीं। जबकि जो हेटरोजीनियस फेज होता है वहां पर अपने पास दो फेज अवेलेबल होते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम लोगों ने बात किया था पर्टिकुलर टेक्निक के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था बल्क पॉलीमराइजेशन के बारे में। बल्क में अपने को यह पता चल के आया था कि यहां पर जो आपका प्रोडक्ट निकलने वाला दैट विल बी द प्योर, लेकिन वहां पर एक ड्रॉबैक ये है कि वहां पर आपका लोकली आपका हॉटस्पॉट जनरेशन होता है, रनअवे रिएक्शन होती है। ठीक है ना, ऑटो एक्सेलरेशन होता है, जिस वजह से आपका पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन होता है उसकी विस्कोसिटी हाई हो जाने की वजह से ये आपके कारण होते हैं। ठीक है ना, तो वहां पर आपका जो कन्वर्जन है जो रेजिडेंस टाइम में पर्टिकुलर मोनोमर का उतना ज्यादा सक्सेसिव नहीं होता। तो एडिशन टाइप काइनेटिक्स के लिए हमारा जो बल्क पॉलीमराइजेशन है वो सक्सेसफुल नहीं है कंपेयर टू द कंडेंसेशन। तो ये बात हो गई थी बल्क की। बल्क का हम लोगों ने डिस्कस किया था सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन हम लोग क्या करते हैं, इनर्ट सॉल्वेंट जो है ना वो ऐड कर देते हैं। इनर्ट सॉल्वेंट का फायदा ये हो जाता है कि जो एक्सेस हीट रिलीज होती है थ्रू आउट द रिएक्शन उसको वो अब्सॉर्ब कर लेता है। लेकिन क्या होता है, वो जो सॉल्वेंट है ना उसको सेपरेशन एक आपका टफ टास्क होता है, वो कॉस्टलियर होता है। तो जहां पर भी हमें जो पॉलीमर चाहिए होता है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में चाहिए होता है वहां पर हम क्या करते हैं सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन टेक्निक का यूज करते हैं। इसके बाद बात करते हैं सस्पेंशन या बीड या फिर पेयर पॉलीमराइजेशन की। यहां पर सिंपली क्या है कि जो हम लोगों ने मोनोमर यूज किया और जो इनिशिएटर यूज किया दोनों आपके सेम फेज में थे, दोनों या तो लिक्विड में या फिर दोनों आपके सॉलिड फेज में। अब वो दोनों जो रिएक्शन कर रहे हैं उनको सस्पेंड फॉर्म में मेंटेन करने के लिए, एक्सेस हीट को लाइब्रेट करने के लिए हम लोगों ने वहां पर एजिटेटर का यूज किया। वो एजिटेटर क्या कर रहा था, पर्टिकुलरली थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या कर रहा था, आपके जो मोनोमर्स थे उनकी जो ड्रॉपलेट्स थी उनको सस्पेंड फॉर्म में मेंटेन करके रख रहा था और सारे के सारे जो आपके मोनोमर्स हैं वो आपस में कोगुलेट ना हो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, यहां पर एक स्टेबलाइजर डाल रहे थे। दिस इज द सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन। अगर हम लोगों ने इमल्शन की बात की थी, इमल्शन में सिंपली हम लोग क्या कर रहे थे, इमल्शन हम लोग सिंपली ये कर रहे थे कि वहां पर लोगों ने स्टेबलाइजर की जगह कोई एक इमल्सीफायर यूज किया था और यहां पर जो आपके मॉलिकुलर लेवल था वो हमारा क्या था, वो एक आपका माइक्रोन में था। ठीक है ना, काफी हमारा छोटा मॉलिक्यूल था जिसका हम लोग क्या कर रहे थे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कर रहे थे। ठीक है ना, तो ये बात हुई थी किसकी, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन किसका, हम लोगों ने बात की थी मॉलिक्यूलर वेट या फिर आपका जो प्योरिटी होती है किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज होती है। इसके बाद बात की थी पॉलीएथाइलीन की। पॉलीएथाइलीन सबसे हम लोगों ने बात की थी इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर, कैटलिस्ट, डेंसिटी एंड स्ट्रक्चर। तो हमने पॉलीएथाइलीन के तीन ग्रेड अवेलेबल होते हैं, लो डेंसिटी, लीनियर लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी। लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो हाई प्रेशर पे होती है, कंपेयर टू द एलएलडीपी की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो इंटरमीडिएट प्रेशर पे होती है, और एचडीपी की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो मैन्युफैक्चरिंग होती है आपकी हाई प्रेशर लो प्रेशर पे। ठीक है ना, तो ये आपका प्रेशर के टर्म पे होता है। अगर कैटलिस्ट की बात करते हैं तो परऑक्साइड कैटलिस्ट यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एलडीपी, एलएलडीपी की बात करते हैं जिग्लेनेटा कैटलिस्ट यूज करते हैं, अगर एचडीपी की बात करते हैं वहां पर फिलिप्स, मेटालोसिन, जिग्लेनेटा तीनों कैटलिस्ट यूज करते हैं। ठीक है ना, अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा तो कॉम्प्लिकेटेड होता है वो एलडीपी का होता है, इसलिए इसकी डेंसिटी आपकी लो होती है। इससे कंपेयर में आपका एलएलडीपी का स्ट्रक्चर जो होता है वो लीनियर होता है। इसके बाद आपका स्ट्रक्चर जो होता है हाई डेंसिटी का वो क्या होता है, वो आपका शॉर्ट और लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, इसके बाद की पॉलीप्रोपाइलीन, इसमें खास अपने को कुछ पता नहीं चला, बस ये पता चला कि पॉलीप्रोपाइलीन जो हमारी थी इसी की वजह से जिग्लेनेटा का हम लोगों ने इन्वेंट किया था, क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी जो थी एक मेन प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। इसके बाद पॉलीस्टायरीन की बात की, पॉलीस्टायरीन सिंपली आपका जो पॉलीमर है
ठीक है ना, ये हमारा फ्री रेडिकल के थ्रू ही मैन्युफैक्चर किया जाता है और इसके लिए परोक्साइड कैटलिस्ट यूज करते हैं। पीवीसी की बात की, पीवीसी की हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसमें दो कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, ब्यूटाइल लिथियम और परसल्फेट कैटलिस्ट की हम लोग यूज करते हैं। पॉलीकार्बोनेट की बात की, पॉलीकार्बोनेट हमारा एक ऐसा पर्टिकुलरली कंपाउंड है जो कि हमारा कंडेंसेशन के थ्रू बन रहा है, लेकिन हमारा क्या है वो थर्मोप्लास्टिक है। लेकिन आप सुनते रहो, फटाफट रिवीजन हो रहा है। इसका थर्मोसेट्स की बात की, थर्मोसेट्स में जनरली हमने बताया था पहचानने के दो तरीके हैं, या तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड या तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, इनके थ्रू हम क्या करते हैं इनको पहचानने का रोल प्ले करते हैं। इसके बाद बात आती है मेलामाइन की, मेलामाइन इज द रेजिन। मेलामाइन की फॉर्मेशन के लिए अपने को नीड होती है यूरिया की, यूरिया के थ्रू हम लोग क्या करते हैं क्वार्ट्ज की प्रेजेंस में मेलामाइन का प्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद इलास्टोमर में बात की, इलास्टोमर सबसे पहले हम लोगों ने बात की एसबीआर की, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। यहाँ पर जो स्टायरीन है, स्टायरीन आपका क्या करता है पर्टिकुलर जो एब्रेशन रेजिस्टेंस है ना उसको क्या करता है इंक्रीज या डिक्रीज करने का आपका रोल प्ले करता है। जितना ज्यादा आपका स्टायरीन कंटेंट होगा उतनी ज्यादा आपकी रबर जो होती है उसकी क्वालिटी क्या होती है इंप्रूव्ड होती है। रबर की कई वैरायटीज के अलावा हम लोगों ने बात किया था, उसमें से एक वैरायटी आई थी ब्यूटाइल रबर, फिर आपकी आई थी ब्यूटाडाइन नाइट्राइल रबर जिसको ब्यूनायन बोलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था सिलिकॉन रबर के बारे में, सिलिकॉन रबर के बाद हम लोगों ने नियोप्रिन, पॉलीयूरेथेन, ठीक है ना, इनके बारे में भी बात की थी, पॉलीसिलोक्सेन इनकी भी बात की थी हम लोगों ने। फिर बात आई थी फाइबर्स की, तो फाइबर हम लोगों ने बात किया था पॉलीएमाइड, पॉलिस्टर, एक्रेलिक और सेलुलोजिक की, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी नायलॉन 66 की, नायलॉन 66 में अपने को जो रॉ मटेरियल चाहिए एटिपिक एसिड और हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन, सिंपली कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो रही थी, वहां से आपको मिल रहा था पॉलीहेक्सामेथाइलिन एटिपेमाइड, ठीक है ना। इसके बाद नायलॉन 6 की हम लोगों ने बात की थी, तो वहां पर हम लोगों ने सिंपली क्या लिया था आपका कैप्रोलेक्टम जो मोनोमर था उसको लिया था, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो रही थी, वहां से अपने को मिल रहा था पॉलीकैप्रोलेक्टम जिसको हम लोग बोलते हैं नायलॉन 6, ठीक है। इसके बाद बात किया था हम लोगों ने पॉलिस्टर के बारे में, पॉलिस्टर एल्कोहल और आपका एसिड मिलकर के ईस्टर बना रहा था, तो सिंपली पॉलिस्टर की दो ग्रेड जो है वो मार्केट में अवेलेबल होती थी, अभी करंट में एक ग्रेड चलती जो कि टेरेलिन है। डेक्रॉन पहले बनाया जाता था, डेक्रॉन के लिए अपने को जो मोनोमर चाहिए होता था वो होता है आपका क्या डाइमेथाइल टेरेफ्थेलेट और एथाइलिन ग्लाइकॉल, इन दो के थ्रू बनाते हैं डेक्रॉन को। अगर टेरेलिन की बात करते हैं तो प्यूरिफाइड टेरेफ्थेलिक एसिड और एथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है ना। जो आपका पहला वाला केस है इसमें हम लोग का क्या होता है मेथनॉल का प्रोडक्शन होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसका प्रोडक्शन इसका जो हैंडलिंग होती है वो टफ टास्क होता है, जिसके से हम लोग क्या किया इसको इस टेक्निक को छोड़ दिया, ठीक है ना। इसका टेरेलिन बताया मैंने, टेरेलिन के बाद हम लोग आए थे फिर ऑर्लॉन में, ऑर्लॉन हमारा एक्रेलिक फाइबर केस में आता है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं एक्रायलोनाइट्राइल का यूज करते हैं। एक्रायलोनाइट्राइल के बाद ऑर्लॉन के बाद आता है डायनल, डायनल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि एक्रायलोनाइट्राइल और विनाइल क्लोराइड का हमारे पास क्या होता है परसेंटेज होता है जिसके साथ मिक्स करके हम लोग यूज करते हैं। एक और होती है वैरायटी उसको बोलते हैं स्पेंडेक्स, स्पेंडेक्स में क्या होता है कि जो आपका पॉलीयूरेथेन है, पॉलीयूरेथेन को हम लोग क्या करते हैं एक्रायलोनाइट्राइल के साथ मिक्स करते हैं तो स्पेंडेक्स बनता है। जितने भी आपके सॉक्स होते हैं, अंडरवियर्स होते हैं, उसकी जो इलास्टिक होती है वो बनती है स्पेंडेक्स की, स्पेंडेक्स फाइबर की, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोगों ने बात किया था, इसके बाद बात किया था हम लोगों ने सेलुलोजिक फाइबर्स की, उसमें बात किया था विस्कस रेयॉन की, विस्कस रेयॉन के प्रोडक्शन के जो मल्टीपल आपके 6 to 7 स्टेप्स होते हैं उसका हम लोग डिस्कशन किया था। सेलुलोज फाइबर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं प्रोडक्शन करते हैं, तो वहां पर बेटा बहुत से होते हैं, सारी लिस्ट हम लोग कंटेन करके नहीं चल रहे हैं ना, टेफ्लॉन, ठीक है ना। इसका तभी और बात करोगे तो आप लोग जैसे बात कर रहे थे ना पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट, वैसे ही आपका होता है पॉलीप्रोपाइलीन टेरेफ्थेलेट होता है, ठीक है ना। तो बहुत सी ग्रेड होती हैं, जो मेजर ग्रेड हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो विस्कोस रेयॉन के जो बेसिक स्टेप थे मैन्युफैक्चरिंग वो डिस्कस किए, सबसे पहले आपका क्या होता है वहां पर स्टिपिंग होती है, फिर प्रेसिंग होती है, फिर शेडिंग होती है, फिर एजिंग होती है, फिर जेंथेशन होता है, फिर रैपनिंग होती है, ठीक है ना। रैपनिंग होने के बाद आपका क्या होता है लास्ट में आपका स्पिनिंग प्रोसेस होती है, ठीक है ना। ये डिस्कशन किया था हम लोगों ने विस्कस रेयॉन में। अब आज बात करते हैं भाई अपने टॉपिक के बारे में, आज बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में जो कि है आपका पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ठीक है। हो गया रिवीजन, आशुतोष कंप्लीट सिटी पढ़ने की अब नीड नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है। अगर आप कंप्लीट सिटी अब पढ़ने जाओगे तो बाकी सब्जेक्ट जो है ना फिर वो आपके डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी कंप्लीट सिटी की नीड नहीं है, अभी जितना भी आप पढ़ रहे हो ठीक है इससे भी आप अच्छे खासे मार्क्स सिटी के स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अभी एक दिन और लूंगा सिटी, अभी एक दिन और लूंगा, लोगों की बहुत डिमांड आ रही है मैराथन की, सिटी के मैराथन की, मैं सिटी का मैराथन भी लूंगा, ठीक है ना। लेकिन सिटी का मैराथन कितना बड़ा होगा खुद सोच सकते हो, पूरा का पूरा सिटी, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, फिर आज बात करने वाले हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग की। तो सिंपली पेट्रोलियम रिफाइनिंग जो आपका, अब हम लोग जिस तरह से टॉपिक जैसा कि हम लोगों ने क्रैश कोर्स में सिलेबस कवर किया था ना, बस उसी तरह से हम लोग मूव कर रहे हैं, क्योंकि मैं जो सिटी का सिलेबस अभी तक पढ़ा रहा हूं उसका पढ़ाने का मेन मोटो ये रहता है कैसे आपके मार्क्स जो है ना वो आपके कवर अप हों। अगर बाय चांस जैसे जैसे मैं जितना लास्ट में बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे वो टॉपिक वो आपके लेस इंपॉर्टेंट होते जाएंगे। जो मोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले मैं वो कवर अप करता हूं जहां से क्वेश्चन 100% डेफिनेटली आता ही आता है।
तो सबसे पहला जो हमारा सेक्शन आता है वो आता है पॉलीमर का, जहां से 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, वो कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि पॉलीमर वाला सेक्शन अगर कोई भी एग्जामिनर अगर पेपर डिजाइन कर रहा है, अगर पॉलीमर वाला सेक्शन वो टच नहीं करेगा तो आपका सीटी का या तो मार्क्स का वेटेज कम रह जाएगा, या फिर वहां पर क्या होने वाला है कि वो पर्टिकुलर सीटी के क्वेश्चन के लेवल जो है ना वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो जनरेट होता है वो पॉलीमर वाले में जनरेट होता है, ठीक है ना। चलो रिवीजन में भी कवर हो रहा है ना बेटा, मैराथन जो होता है ना वो सिंगल डे सेशन होता है, वो सिंगल डे सेशन होता है, उसमें मैक्सिमम पार्ट जो है ना वो आपके टॉपिक्स जो है ना वो कवर अप किए जाते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन का सेशन होता है, उसको हम लोग कवर अप करते हैं मैराथन में। अभी तो हम लोग टू आवर्स की बात कर रहे हैं, चलो भाई स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग अगर हम लोग बात करते हैं, सिंपल सिग्निफिकेंस पेट्रोलियम का ये आता है कि पेट्रोलियम जो एक वर्ड बना हुआ है, दिस इज द नेम ऑफ प्रोडक्ट नॉट द रॉ मटेरियल। तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग का जो आपका बेसिक रॉ मटेरियल दैट इज द क्रूड ऑयल। तो अगर क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो पूरी की पूरी पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है ना वो आपके बेसिक चार कंपोनेंट पर डिवाइड करती है, डिपेंड करती है। सबसे पहला पार्ट हमारा आता है एक्सप्लोरेशन का या फिर ड्रिलिंग का आता है, उसके बाद आपका आता है क्या ट्रांसपोर्टेशन का आता है, उसके बाद रिफाइनिंग का आता है, देन आता है आपका स्टेबलाइजेशन या फिर मार्केटिंग का पार्ट आता है। तो हम लोग जो डील करने वाले हैं, हम लोग डील करने वाले हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग वाले पार्ट की। जो एक्सप्लोरेशन या ड्रिलिंग वाला पार्ट होता है वो अलग पार्ट होता है, उसमें केमिकल इंजीनियरिंग का रोल होता है, लेकिन हम लोग को एज अ केमिकल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट, हम लोग को जो यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस की बात करनी है, इन द केमिकल टेक्नोलॉजी को हम लोग डील करने वाले हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग के, पर्टिकुलरली रिफाइनिंग वाले सेक्शन में, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अगर क्रूड ऑयल की बात की जाती है, तो क्रूड ऑयल को सिंपली हम लोग ये बोलते हैं दैट इज द मल्टी कंपोनेंट मिक्सचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है ना, सब मेटल कंपाउंड्स, अल्कली अर्थ कंपाउंड्स। कुछ नोट करने की नीड नहीं है आपको, कुछ नोट करने की नीड नहीं है। मैंने क्या बोला, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर निकिल वेनेडियम, ठीक है ना। इसके बाद आपका क्या है, अर्थ कंपाउंड, ठीक है ना, साल्ट्स, ये बेसिक जो आपके पार्ट हैं। इसके बाद आपका डर्ट या फिर सैंड भी होती है उसमें, ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन होता है किसी भी आपका क्रूड ऑयल का। तो अपने को इसमें से जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट है एमएसक्यू सीरीज की मैराथन, एमएसक्यू सीरीज के अगर मैराथन लाऊंगा ना, ठीक है ना, तो एमएसक्यू सीरीज के मैराथन एक दिन में कोई मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। कुछ नया डेली चाहिए होगा तो कुछ नया डेली करने का ट्राई करेंगे, तो वो सब प्लान है बेटा, ठीक है ना। ये लास्ट मंथ जो है ना वो केवल केवल अगर आप खुद से भी नहीं पढ़ोगे, अगर यहीं पर आप पढ़ रहे हो ना तो उससे भी आपका भला हो जाएगा, ठीक है ना। आप जितने भी लेक्चर सुबह शाम तक अटेंड कर रहे हो ना, आपका इससे भी फायदा होने वाला है। कोशिश बस हम लोग यही करके चल रहे हैं कि आपका कोई भी टाइम वेस्ट ना हो। हम नहीं चाहते कि आप जो चीज सेल्फ स्टडी से गेन कर सकते हो वो आकर के आप फिर यहां पर आप आकर के टाइम लॉस करो। तो हम ये चाहते हैं कि जितना आप सेल्फ स्टडी से गेन करो उससे कहीं ज्यादा आपको अगर लेक्चर में आ रहे हो तो दे सकें, प्रोवाइड कर सकें, ठीक है ना, बस ये कोशिश है, ठीक है। तो अगर पर्टिकुलरली पूरा का पूरा अगर क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल से अपने को जो बेसिक कंपोनेंट चाहिए, जो अपने को एक्सट्रैक्ट करके निकालना है, पूरी की पूरी जो क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम बनाने का जो प्रोसेस होता है जनरली, वो हमारा कितने टाइप में डिवाइड होता है अभी हम लोग आगे बात करेंगे। तो अपने को जो क्रूड ऑयल है, इस क्रूड ऑयल का क्या करना है, इस क्रूड ऑयल में मैक्सिमम जो कंटेंट आपका अवेलेबल होता है, जो हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं, कौन सा कंटेंट आपका अवेलेबल होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो सबसे पहला आपका कंटेंट अवेलेबल होता है, जो केमिकल कंपाउंड आपका अवेलेबल होता है, मतलब कि बेसिक द कंपोनेंट आर कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है ना, बेसिक कंपोनेंट आपके ये होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कंपाउंड अवेलेबल होते हैं, अपने क्या करना है, कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड है ना उनको ही निकाल करके लाना है, ठीक है ना, उनको ही निकाल करके लाना है, बाकी का आपका क्या है वो वेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका कंपाउंड होता है दैट इज द पैराफिन्स, ठीक है ना। सेकेंड आपका क्या होता है, दैट इज द ओलेफिन। पैराफिन की अगर बात करते हो, ठीक है ना, रिवाइज करते हैं फटाफट, पैराफिन की अगर हम लोग बात करते हैं, दिस इज वेलना सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, पैराफिन्स आर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, पैराफिन्स आर सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है ना। ये सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का रोल जो है ना वो केमिकल टेक्नोलॉजी में बहुत है। ओलेफिन की अगर बात करते हैं, दीज आर द अनसैचुरेटेड कंपाउंड, दीज आर द अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अगर इसके बाद बात करते हैं नेफ्थीन्स की, दीज आर द सैचुरेटेड, these are the saturated cyclic compounds, ठीक है ना, बोलते हैं
नेफ्थीन्स को नंबर फोर्थ में जो आता है, नंबर फोर्थ में आता है आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड रिंग कंपाउंड, अनसैचुरेटेड रिंग कंपाउंड, ठीक है ना। तो ये बेसिक आपकी केमिस्ट्री होती है जो कि आपका क्रूड में अवेलेबल होता है। अब यहां से पहला क्वेश्चन क्वेश्चन कई बार ये आ चुका है, बहुत से बार बच्चों ने मेरे से पूछा है कि एक क्वेश्चन जो है ना बहुत लोगों को कंफ्यूज कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट प्रेजेंट इन क्रूड ऑयल, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एक ऐसा है ना इसमें मोस्ट ऑफ द केस में आपका स्टूडेंट जो है ना वो फंसता ही फंसता है। तो क्रूड ऑयल में मैंने ये बोला कि क्रूड ऑयल में पैराफिन्स, ऑलेफिन्स, नेफ्थीन्स और एरोमेटिक के पार्ट अवेलेबल है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो जितना भी आपका क्रूड ऑयल आता है, ध्यान सुनना मेरी बात को, जितना भी बेसिकली आपका क्रूड ऑयल आता है उस क्रूड ऑयल में आपका कहीं पर भी ऑलेफिन जो है वो अवेलेबल नहीं होता, ठीक है ना। ऑलेफिन जो है ना पूरी की पूरी रिफाइनरी में जितनी कन्वर्जन प्रोसेस होती है वहां पर ऑलेफिन का जनरेशन होता है, और ऑलेफिन आपका जो है ना वो एक तरह से आपका नॉट डिजायरेबल कंपाउंड है। वो आपका ना क्रूड ऑयल में हमें चाहिए होता है ना वो हमें फ्यूल में चाहिए होगा, क्योंकि जितना भी ऑलेफिन है अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर ऑलेफिन कहीं पर भी रह जाएगा आपके फ्यूल में तो सीधे क्या करेगा वो आपका एयर में जब रिलीज होगा तो वहां पर वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करके कोई ना कोई हजार्डियस आपका गैसियस कंपाउंड बनाएगा जो कि एनवायरमेंट को पॉल्यूट करेगा। इसलिए अपने को ऑलेफिन ना क्रूड ऑयल में चाहिए होता है और ना ही अपने को चाहिए होता है फ्यूल में। तो ऑलेफिन जो है ना, ये ऑलेफिन जो है वो आपका क्रूड ऑयल का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। जनरली जितना भी आपका क्रूड ऑयल आता है उसमें ऑलेफिन नहीं होता है, लेकिन इन द सम केसेस जनरली हम क्या करते हैं जितना भी क्रूड ऑयल आता है उसको डिफाइन करते हैं हम लोग पैराफिनिक क्रूड है, ऑलेफिनिक क्रूड है, नेफ्थेनिक क्रूड है, एरोमेटिक क्रूड है। एरोमेटिक क्रूड तो कहीं नहीं निकलता है, मैक्सिमम जो क्रूड आपके होते हैं पैराफिनिक, नेफ्थेनिक या फिर आपके क्या होते हैं मिक्स होते हैं, ठीक है ना। ऑलेफिन कंपाउंड जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं। तो एक पहली चीज तो डाउट ये है कि ऑलेफिन जो है वो आपका क्रूड में अवेलेबल ना होकर वो रिफाइनरी के कन्वर्जन प्रोसेस में निकलता है, ठीक है ना। अब यहां पर हम लोग करने क्या वाले हैं, पूरे का पूरा जो क्रूड ऑयल जो है वहां पर हम क्या करने वाले हैं, ये जो बेसिक कंपोनेंट है जो बेसिक क्रूड केमिस्ट्री है इनको ही क्या करने वाले हैं आपका, या तो कन्वर्ट करेंगे या तो सेपरेट करेंगे या तो रिमूव करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग डिफरेंट प्रोसेस का यूज करते हैं। कौन सी प्रोसेस होती है जरा आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना है भाई, स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना है, चलो आप मुझे जहां फॉलो करोगे आपका बस भला होना चाहिए, वो प्लेटफॉर्म कोई भी हो। चलो तो प्रोसेस जो होती है सेपरेशन की, जो रिफाइनिंग की प्रोसेस होती है तो रिफाइनिंग के प्रोसेस में बाद में आएंगे, सेकंड थिंग में आते हैं। जो सेकंड थिंग है आपका पर्टिकुलरली कोई भी जो क्रूड ऑयल है या फिर कोई भी जो फ्यूल बनता है उस फ्यूल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। उन बेसिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर फ्यूल की क्वालिटी पैरामीटर हम चेक करते हैं कि वो फ्यूल जो है हमारे लिए वो सुटेबल है या आपका क्रूड ऑयल सुटेबल है या सुटेबल नहीं है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो अपने पास आता है जो पैरामीटर आता है वो दैट इज द एपीआई ग्रेविटी, ठीक है ना। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के थ्रू बनाई गई ये पर्टिकुलर क्वांटिटी है, इसको बोला गया एपीआई ग्रेविटी। एपीआई ग्रेविटी को हम लोग सिंपली डिफाइन करते हैं, डिग्री एपीआई को हम लोग डिफाइन करते हैं सिंपली 141.5 अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 51.6 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 131.5 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑयल, ठीक है ना, जिसका हम लोग चेक करना चाहते हैं। तो हम लोग यहां पर रेफरेंस क्या लेकर के चलते हैं, आप वो ध्यान सुनना, हम लोग यहां पर रेफरेंस ये लेकर के चलते हैं कि पर्टिकुलरली अपने पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वाटर कितनी होती है भाई, वाटर कितनी होती है 1 होती है। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड वैल्यू आती है वो ये होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू ये निकल करके आती है, मतलब वैल्यू कितनी आई 10। तो यहां पर हम लोग डिफाइन क्या करते हैं, जो क्रूड ऑयल निकल करके आ रहा है, एपीआई ग्रेविटी का मेन रीजन है क्रूड ऑयल की क्वालिटी को चेक करना। तो डिग्री एपीआई अगर हमारी 10 आ रही है, ठीक है ना, या फिर 10 से बिलो है, ध्यान सुनना, अगर 10 या फिर 10 से बिलो आ रही है तो हम ये बोलते हैं कि हमारा क्रूड ऑयल जो है ना वो कैसा है, दैट इज द हैवियर क्रूड ऑयल। उसको सेपरेट करना मतलब कि उसमें जो है हमारे पास वेस्ट कंपाउंड ज्यादा है, अपने लिए वैल्यूएबल कंपाउंड कम है, ठीक है ना। अगर डिग्री एपीआई क्या मैंने बोला इज लेस देन 10 है अगर, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हैवियर कंपाउंड है, हैवियर कंपाउंड है अगर लेस देन 10 है। अगर डिग्री एपीआई अगर हमारा क्या है, डिग्री एपीआई अगर ग्रेटर देन 10 है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे आपका लाइटर कंपाउंड है, लाइटर कंपाउंड है, ठीक है ना। उल्टा तो नहीं बन गया साइन, चलो ठीक है। तो हैवी या लाइटर अपने को चूज करना रहता है, क्रूड ऑयल आपका जो है ना वो किस तरह का है ये पता करते हैं हम लोग डिग्री एपीआई से। तो डिग्री एपीआई को चेक करने के बाद ही हम लोग पता करते हैं। तो जनरली जो रेंज होती है हैवियर हाइड्रोकार्बन की वो होती है 5 से 10 तक, वो आपका होता है हैवियर क्रूड, और 10 से लेकर के 45 तक का पूरी रेंज होती है जितना भी आज तक मेजर किया गया वो 45-50 तक गया है।
तो वो जो रेंज होती है उसको हम लोग बोलते हैं लाइटर क्रूड। तो हमारे लिए जो प्रिफरेबल है वो है लाइटर क्रूड। आगे बात करते हैं चलो, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट बाद में लेते रहना, वैसे आपके पास अब नोट होगा। अब आगे बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है फ्लैश एंड फायर पॉइंट। अगर फ्लैश पॉइंट की हम लोग बात करते हैं तो फ्लैश पॉइंट इज अ सिंपल पर्टिकुलरली सेफ्टी पैरामीटर फॉर एनी फ्यूल और क्रूड ऑयल। जनरली हम लोग फ्यूल के लिए यूज करते हैं। तो फ्लैश पॉइंट का देखो बेसिक रीजन क्या है, फटाफट सुनना जल्दी से। फ्लैश पॉइंट का बेसिक रीजन क्या है, आप क्या करते हो कि कोई भी जो आपका फ्यूल है, फ्यूल को अगर आप क्या करते हो थोड़ी देर के लिए आप छोड़ देते हो, ओपन कर देते हो, तो वो क्या करता है, वो पर्टिकुलरली आपका फ्यूल की वेपर जो है ना, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे कोई भी जो आपका लिक्विड है, ठीक है ना, वो आपका क्या करता है, वेपर जनरेट करना स्टार्ट करता है। नॉर्मल टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर नहीं है, मतलब कि रूम टेम्परेचर से कुछ अबव, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपनी वेपर जनरेट करना स्टार्ट करेगा। वो वेपर्स क्या करेंगे, सराउंडिंग में जितनी भी एयर है उसके साथ में मिक्स होंगी। अगर उसको कोई भी इग्निशन सोर्स मिल जाता है तो वो पर्टिकुलरली जो मिक्सचर है, मिक्सचर किसका है, कोई भी जो आपका फ्यूल है और आपका एयर की वेपर का जो मिक्सचर है, वो क्या करेगा, वो फ्लेमेबल हो सकता है। तो अगर बाय चांस वो मिक्सचर आपका क्या है, वो सफिशिएंट वेपर, अगर देखो सिंपल सी बात क्या आती है, वेपर की क्वांटिटी उस एयर के मिक्सचर में अगर बहुत ज्यादा है या फिर बहुत कम है, बस मेन फिनोमेना हमारे पास ये है कि जिस टेम्परेचर में, देखो सिंपल सी बात ये है कि जब आपका वेपर का कंसंट्रेशन या फिर वेपर की जो क्वांटिटी है एयर के साथ में बहुत ज्यादा, मतलब कि वहां पर टेम्परेचर ज्यादा हुआ, तभी वेपर ज्यादा जनरेट हुई। तो सिंपल सा फिनोमेना ये है कि अगर वेपर और एयर का मिक्सचर एक सिग्निफिकेंट टेम्परेचर पे कुछ टाइम के लिए जलता है, सडन टाइम के लिए जलता है, तो उसको बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। अगर आपका द अमाउंट ऑफ वेपर है इन द एयर मिक्सचर अगर वो ज्यादा है, मतलब कि टेम्परेचर वहां पर राइज है, द टेम्परेचर एट विच द पर्टिकुलर मिक्सचर ऑफ वेपर एंड एयर सस्टेन फॉर एटलीस्ट 5 सेकंड, मतलब लगातार 5 सेकंड तक अगर जल जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फायर पॉइंट। बस बेसिक्स से बात ये है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फ्लैश एंड फायर पॉइंट। फ्लैश पॉइंट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द मिक्सचर ऑफ फ्यूल वेपर एंड एयर मेक्स अ सफिशियंट मिक्सचर विच विल इग्नाइट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इग्निशन सोर्स, द टेम्परेचर इज नोन एज द फ्लैश पॉइंट, ठीक है ना। इफ द पर्टिकुलर फ्लैश सस्टेन एट लीस्ट फॉर द 5 सेकंड द टेम्परेचर इज नोन एज द फायर पॉइंट। सिंपल सी बात ही आती है, अगर आपको डिफाइन करना है डिफाइन करते हैं, तो जनरली हमारा जो फायर पॉइंट होता है फ्लैश पॉइंट से आपका 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव होता है, ठीक है ना। चलो ये तो बात हो गई फ्लैश एंड फायर पॉइंट की, अब आगे बात करते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर अगला आता है, यहाँ पर लिखा नहीं ऑक्टेन नंबर के पहले एक चीज और आती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड एंड पोर पॉइंट। उसको भी सुन लो, काफी बार बच्चे मुझसे पूछ चुके हैं। हाँ ठीक है बेटा अक्षय, कई बार मुझसे बच्चे पूछ चुके हैं, दैट इज द क्लाउड एंड पोर पॉइंट। क्लाउड पॉइंट क्या होता है, पोर पॉइंट का, देखो हम लोगों ने ये बात कर ली टेम्परेचर हायर रीजन की। हायर रीजन का मतलब क्या है, कहीं पर अगर आपका टेम्परेचर, कहीं पर अगर कोई स्टेट ऐसा जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, तो वहां पर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कितना मिनिमम टेम्परेचर पे ऑयल स्टोर करके रखना है, ये तो बात हो गई फ्लैश एंड फायर पॉइंट से। कहीं पर आपका टेम्परेचर कम भी होता है, तो आपका कोई भी क्रूड है या फिर अगर ऑयल है उस एरिया से अगर फ्लो करके पास होता है, तो उस केस में कब उसका फ्लो जो है ना वो आपका बंद हो सकता है, कब आपका ऑयल फ्रीज हो सकता है, ठीक है ना। या फिर पर्टिकुलरली कोई भी क्रूड है या फिर ऑयल है उसमें वैक्स कंटेंट कितना है, क्योंकि वैक्स कंटेंट जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी आपका ऑयल जो है ना वो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं पर्टिकुलरली क्लाउड पॉइंट को पता करने के लिए क्या करते हैं कि आपका कोई भी जो ऑयल है उसको धीरे धीरे सडनली कूल डाउन करते हैं, कूल डाउन करते हैं। एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि वहां पर ऑयल के आपको क्या दिखेंगे, क्लाउड्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, हेजी आपका अपीयरेंस आ जाता है। उस पर्टिकुलरली अपीयरेंस को हम लोग बोलते हैं, उस टेम्परेचर को जहां पर वो अपीयरेंस आ जाता है उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्लाउड पॉइंट। अगर हम क्या करते हैं उसको अब सडनली हम क्या करते हैं दूसरे एक बीकर में अगर पोर करना स्टार्ट करते हैं और टेम्परेचर कंटिन्यूसली डिक्रीज करते जाते हैं, तो एक आपका टेम्परेचर पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपका जो ऑयल है ना वो आपका फ्लो करना बंद कर देगा, ठीक है ना। द टेम्परेचर एट विच द पर्टिकुलर ऑयल सीजेस टू फ्लो, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं पोर पॉइंट, ठीक है ना। ये बेसिक होता है हमारा क्या, क्लाउड एंड पोर पॉइंट की बात होती है। तो क्लाउड एंड पोर पॉइंट का जो आपका टास्क आएगा वो आता है विस ब्रेकिंग की यूनिट में, ठीक है ना। हमें करना क्या है पर्टिकुलरली, उसकी विस्कोसिटी को ब्रेक करना होता है, कोई भी जो ऑयल उसकी विस्कोसिटी को ब्रेक करना होता है, मतलब कि उसका जो पोर पॉइंट है उसको इंक्रीज करना होता है। पोर पॉइंट जितना कम होगा ऑब्वियसली बात है जितनी जल्दी आपका ऑयल फ्रीज हो जाएगा उसका पोर पॉइंट मतलब उतना ही कम है, जितनी देर में आपका ऑयल फ्रीज होगा ठीक है ना उसका मतलब उसका पोर पॉइंट जो है उतना ही ज्यादा है। तो अपने को क्या करना होता है, जो पोर पॉइंट है वो क्या करना होता है, अपने को इंक्रीज करना रहता है, ठीक है ना। तो ये हमारा काम होता है विस ब्रेकिंग में। अभी हम लोग आगे बात करेंगे, अब बात करते हैं ऑक्टेन नंबर की जरा। देखो ऑक्टेन नंबर हमारा जो डिसाइड किया गया, सिंपली इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एनी फ्यूल टुवर्ड्स द नॉकिंग, ठीक है ना। पर्टिकुलरली कोई भी अगर आपका फ्यूल है ना वो नॉकिंग को कितना रेजिस्ट करता है, नॉकिंग क्या होती है, किसी भी आपका जो इंजन है
उस इंजन के अंदर एक आपका इंजन पिस्टन की और सिलेंडर की एक आवाज आती है जो सिंपली क्या करती है, आपका जो पिस्टन और सिलेंडर है उसको डैमेज करती है और जो पिस्टन सिलेंडर कॉन्सेप्ट है उसके कंप्रेशन रेशियो को डिस्टर्ब करती है। ये आपका पर्टिकुलर जो फ्यूल होता है उसके कंप्रेशन रेशियो के डिस्टर्ब होने की वजह से ही नॉकिंग की टेंडेंसी आती है, ठीक है ना। मैं कई बार पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, जल्दी सुन लो एक बार जरा। होता क्या है कि सिंपली आपका कोई भी जो आपका सिलेंडर है, सिलेंडर के थ्रू हमारा क्या है, अगर ये पिस्टन अटैच्ड है, इस पिस्टन से हमारा क्या है क्रैंक व्हील के थ्रू हमारा क्या होता है, आपका जो व्हील है, जो आपका गाड़ी का व्हील होता है वो आपका अटैच होता है कुछ इस तरह से। तो सडनली हमारे पास क्या होता है, एक आपका होता है टॉप डेड सेंटर और दूसरा होता है बॉटम डेड सेंटर। TDS और BDS की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। सिंपली हमारा पिस्टन जो है ना वो इस लोकेशन के बीच में ही क्या करता है, मूव करता रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑक्टेन नंबर की बात हो रही है, ऑक्टेन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं फॉर द केस ऑफ पेट्रोल इंजन, ठीक है। पेट्रोल इंजन की बात हो रही है तो ऊपर से क्या होता है, हमारे पास एक स्पार्क प्लग लगा होता है जिसके थ्रू हमारे पास स्पार्किंग होती है। और सिंपली होता क्या है कि आपका जैसी एयर और फ्यूल का मिक्सचर जैसी हमारा इसमें इनलेट करता है, ठीक है ना, इनलेट करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर सिंपली आपका क्या होता है, कंप्रेशन होता है, ठीक है ना। एक्सपेंशन साइकिल में सबसे पहले एक्सपेंशन साइकिल होती है, पहली साइकिल एक्सपेंशन की होती है। एक्सपेंशन साइकिल में क्या होता है, आपका जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर इनलेट करता है, जब कंप्रेशन साइकिल आती है तो पर्टिकुलर मिक्सचर जो है ना वो कंप्रेस होता है। कंप्रेस होने से क्या होता है, वहां टेम्परेचर और प्रेशर आपका राइज होता है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर कंप्रेशन हो रहा है। ऑब्वियसली बात है वहां पर एयर भी है और आपका फ्लेमेबल फ्यूल है। एट ए टाइम क्या होता है, वहां पर आपका पर्टिकुलरली जो स्पार्क प्लग दिया गया उससे स्पार्किंग होती है। अब ये जो स्पार्क प्लग की टाइमिंग सेट की गई है वो आपका ये सेट है कि पर्टिकुलरली ये पिस्टन जब इस लोकेशन पे पहुंचेगा तब आपकी स्पार्किंग होगी। तो अगर आपका कोई भी फ्यूल है जिसका कंप्रेशन रेशियो बहुत अच्छा है, बहुत खराब है, बहुत अच्छा का मतलब क्या है, वो इजिली कंप्रेस हो जा रहा है या फिर बहुत खराब है, वो देर में कंप्रेस हो रहा है, तो इस केस में क्या है, पर्टिकुलरली जो आपका स्पार्किंग की टाइमिंग है वो तो फिक्स है ना, तो वहां पर क्या होगा, स्पार्किंग अपने टाइम पे होगी लेकिन आपका पिस्टन जो है ना वो इस पर्टिकुलरली आपका पोजीशन पे पहुंच नहीं पाएगा और वहां पर क्या होती है, स्पार्किंग अगर पहले ही हो जाएगी तो ये आपका फ्यूल जो है ना वो पहले ही बर्न करने लगेगा, ठीक है ना। और वहां पर फिर क्या होती है, वहां पर आपकी नॉक की टेंडेंसी आती है, ठीक है। ये मैंने एक इजी लैंग्वेज में बता दिया, प्रोसेस बहुत लंबी होती है, तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं नॉकिंग। इस नॉकिंग की टेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए, ये कंप्रेशन रेशियो को मेंटेन करने के लिए, कंप्रेशन रेशियो सिंपली क्या होता है कि आपका पर्टिकुलरली सिलेंडर का जो टोटल वॉल्यूम है, इसके बाद जो आपका लास्ट में स्केस वॉल्यूम बचता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज करने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, अपने पास जो एक स्टैंडर्ड फ्यूल है उससे कोई भी जो नॉर्मल फ्यूल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, टैली करते हैं, उसके साथ में क्या करते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं। तो जनरली ऑक्टेन नंबर को हम लोग पता है दो टाइप में डिफाइन करते हैं, एक होता है आपका रिसर्च ऑक्टेन नंबर, दूसरा होता है आपका मोटर ऑक्टेन नंबर। ये दो टाइप के ऑक्टेन नंबर होते हैं, रिसर्च ऑक्टेन और मोटर ऑक्टेन नंबर। में क्या होता है, कोई भी जो फ्यूल होता है उस फ्यूल को एक स्टैंडर्ड फ्यूल के साथ में कंपेयर किया जाता है, कि स्टैंडर्ड इंजन के साथ में। ध्यान सुनना मेरी बात को, ये आज पहली बार सुनने को मिल रहा होगा, रिसर्च ऑक्टेन नंबर और मोटर ऑक्टेन नंबर, ठीक है ना। तो कोई भी स्टैंडर्ड फ्यूल जो आपने बनाया है, कोई भी निकल करके आया, उसका ऑक्टेन नंबर अपने को नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, एक सिग्निफाइड डिजाइन का इंजन होता है उसमें डाल करके उसको क्या करते हैं, रन करा करके उसकी परफॉर्मेंस जो है ना उसकी चेक करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिसर्च ऑक्टेन नंबर। सिंपली एक स्टैंडर्ड फ्यूल के साथ में इंजन जो रन करा करके और आपका जो हमने फ्यूल हमने जनरेट किया उसके साथ में। अब बाद में करते क्या है कि अगर हम क्या करते हैं, जब मोटर ऑक्टेन नंबर की बात आती है, हम क्या करते हैं, इंजन में कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, मतलब जो इंजन है ना वहां पर इंजन को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हाई स्पीड में रन करते हैं। मतलब कि यहां पर रिसर्च ऑक्टेन नंबर में जो इंजन का RPM होता है वो 60 मान लो 600 RPM तक होता है। अगर 600 RPM तक होता है, मोटर ऑक्टेन नंबर में क्या करते थे, उसको 900 RPM कर देते हैं। मतलब कि हाई स्पीड इंजन में उसको रन करा करके देखते हैं, वहां पर इग्निशन की जो टाइमिंग है, ये जो इग्निशन की टाइमिंग है इसको या तो डिले या उसको प्रीवियस करके देखते हैं। तो उसके थ्रू हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलरली जो आपका हमारा जो फ्यूल निकल करके आया है ये कितना ज्यादा डिस्टर्बेंस को सस्टेन कर सकता है, कि अगर वहां पर इंजन में अगर डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, अगर बहुत तेज अगर इंजन रन कर रहा है, बहुत तेज अगर पिस्टन मूव कर रहा है, या फिर आपका स्पार्किंग में डिले हो रहा है, ठीक है ना, तो ये फ्यूल जो हमारा जनरेट हुआ है ये कितना सस्टेन कर पाएगा, कितना कंप्रेशन को सस्टेन कर पाएगा, तो ये बात आती है हमारे पास यहां से। तो ये बात होती है किसके लिए, ऑक्टेन नंबर की, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो जनरली हम लोग बात कर रहे थे किसके लिए, हम लोग बात कर रहे थे पेट्रोल इंजन के लिए। पेट्रोल इंजन हम लोग यूज करते हैं स्पार्क प्लग का, इसीलिए हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलरली कि जो पेट्रोल इंजन हमारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन, वहां पर स्पार्किंग के थ्रू ही होता है। तो यहां पर अपने को जो फ्यूल चाहिए होता है वो चाहिए होता है हैवियर कंपाउंड का। तो हैवियर कंपाउंड में हमारे पास सबसे बड़ा जो हैवियर कंपाउंड आता है दैट इज द एरोमेटिक कंपाउंड। जितना ज्यादा उसका स्ट्रक्चर हैवी होगा उतना ही ज्यादा उसका कंप्रेशन इस पर्टिकुलर इंजन के डिजाइन के लिए क्या होगा, अच्छा होगा। जितना ज्यादा उसका स्ट्रक्चर हैवी होगा, स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होगा, उतना ही ज्यादा उस फ्यूल का आपका कंप्रेशन रेशियो होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है एरोमेटिक कंपाउंड, इसके बाद आपके पास आता है नेफ्थेनिक कंपाउंड,
नेफ्थेनिक कंपाउंड, फिर आपके आते हैं आइसोपैराफीन्स, आइसोपैराफीन्स, फिर आपके आते हैं ओलेफिन्स, यही हम लोग पढ़ रहे थे ना अभी तक। इसके बाद आते हैं आपके पैराफीन्स, ठीक है ना। तो ये आपके जो बेसिक केमिकल कंपाउंड है, इसमें से अपने को कौन सा नीड होती है ऑक्टेन नंबर हाई करने के लिए, कौन सा ज्यादा नीड होती है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले अपने को चाहिए होता है एरोमेटिक कंपाउंड, अगर इनका ऑर्डर अपने को अरेंज करने को आता है, फिर चाहिए होता है नेफ्थेनिक, फिर आइसोपैराफीनिक, फिर ओलेफिनिक, और फिर आता है आपका क्या पैराफिन्स, ठीक है ना। सबसे लोएस्ट जो होता है पैराफिन्स, क्योंकि लाइटर पैराफिन का मतलब हो गया लाइटर कंपाउंड, C3 कंपाउंड या C4 कंपाउंड, ठीक है ना। अगर एरोमेटिक की बात करते हैं तो एरोमेटिक की जो रेंज आती है वो आती है C8 तक की। तो C8 का मतलब ये नहीं वो स्टेट चेन होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन, यहां से जो क्वेश्चन आता है वो सुनो ध्यान से। क्वेश्चन यहां से क्या पूछा जाता है कि पर्टिकुलरली, बहुत से लोगों का कंफ्यूजन ये आ चुका है कि पर्टिकुलरली अगर कोई भी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर हाई है, सो देयर मस्ट बी हायर मॉलिकुलर वेट और देयर मस्ट बी हायर या कॉम्प्लिकेटेड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। अब ये चीज पूछी गई, अगर तो मॉलिकुलर वेट हाई हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है ना दैट शुड बी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है ना। जिसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सके, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को जितना टाइम लगेगा ब्रेक होने में उतना ही कंप्रेशन रेशियो अपने को अच्छा मिलेगा, और इसलिए हम लोग यहां पर स्पार्क प्लग का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार लोगों ने पूछा हुआ है कि पर्टिकुलर अगर स्ट्रक्चर और मॉलिकुलर वेट की बात होती है तो कौन सा आपका बेटर होगा। तो पर्टिकुलरली ऑक्टेन नंबर को जज करने के लिए अपने पास जो पैरामीटर है, अपने पास जो पैरामीटर है दैट इज द आइसो ऑक्टेन, जिसको ऑक्टेन नंबर 100 होता है, और एनहेप्टेन, और है एनहेप्टेन, ठीक है ना, जिसको ऑक्टेन नंबर 0 होता है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी अगर फ्यूल की बात की जाती है, कोई फ्यूल का अगर ऑक्टेन नंबर 95, मतलब क्या हो गया उसका जो पर्टिकुलरली मिक्सचर है, जो कंप्लीट मिक्सचर है उसमें 95 वॉल्यूम परसेंट क्या है आपका आइसो ऑक्टेन है, और 5 वॉल्यूम परसेंट आपका क्या है वो नॉर्मल हेप्टेन है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर है वो डिसाइड करते हैं। बहुत से बार क्वेश्चन ये आ चुका है, सर नेफ्थीन पैराफीन के बाद आएगा, कौन से पैराफीन के बाद, आइसो पैराफीन के बाद आएगा, आइसो पैराफीन के बाद नेफ्थीन आएगा, ठीक है, आइसो पैराफीन के बाद नेफ्थीन आएगा, ठीक है। अरे उसको माइंड मत करो यार, अल्टीमेटली अपने पास जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर पता होना चाहिए, जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता जाएगा, ठीक है ना, उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या है, उतना ही ज्यादा अपने पास जो ऑक्टेन नंबर है वो आपका इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। चलो आगे मूव करें फिर, ऑक्टेन नंबर क्लियर हो गया सबको। हाँ मैं एक चीज और ये बता रहा था कि ऑक्टेन नंबर जनरली क्या होता है, अगर आपसे ये पूछता है कि हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर किसका होता है, हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर किसका होता है, तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है वो हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर होता है। अगला क्वेश्चन सुनो, अगला क्वेश्चन क्या आएगा, अगला क्वेश्चन ये पूछेगा कि व्हाई बेंजीन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द हाई ऑक्टेन नंबर फ्यूल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कभी भी, Why benzene is not required for the high octane number fuel? किसी के पास आंसर है क्या, किसी के पास आंसर है क्या, जल्दी से मेरे को आंसर करो जरा। जितने भी लोग ऑनलाइन हो भाई के आंसर करो जरा, अभी तक 30 लोग हैं। चलो अगर नहीं है तो मैं आंसर देता हूं, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है, मैं आंसर देता हूं। नहीं, ब्रांचिंग का बेंजीन अगर आपका आ गया तो ब्रांचिंग कहां से बढ़ गई उसमें, मैं बेंजीन बात कर रहा हूं ना, किसी भी फ्यूल में, किसी भी हाई ऑक्टेन नंबर फ्यूल में बेंजीन जो है ना वो रिक्वायर्ड नहीं होती है, बेंजीन इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है ना। उसमें टॉलुइन हो, उसमें जाइलीन हो, ठीक है ना, उसमें आइसो ऑक्टेन हो, कोई भी हो आपका, लेकिन बेंजीन जो है ना चलो मैं बताता हूं, अभी तक सर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, मैं बताता हूं। देखो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट नंबर होता है आपका पर्टिकुलर किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का, एरोमेटिक लिखा हुआ है ना, दैट विल बी हाईएस्ट, सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट नंबर किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का होता है अभी तक जो अवेलेबल है, जो हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर दैट इज द टॉलुइन, दैट इज द टॉलुइन ऑक्टेन नंबर ऑफ 120 या 121, ठीक है ना। जनरली ये आपका होता है ऑक्टेन नंबर किसका, टॉलुइन का। अगर बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन का जो ऑक्टेन नंबर होता है, जो बेंजीन का ऑक्टेन नंबर होता है दैट इज द, इधर लिखता हूं मैं, जो बेंजीन का ऑक्टेन नंबर होता है दैट इज द 101 ऑक्टेन नंबर इसका जो है वो आपका क्या है, आइसो ऑक्टेन से ज्यादा है, लेकिन ये नॉट रिक्वायर्ड क्यों है, उसके पीछे का मेन रीजन सुनो। आपका जो बेंजीन है दैट इज द क्राइसोजेनिक इन नेचर, क्राइसोजेनिक का मतलब होता है कि ये जब बर्न करेगा ना तो ये एक ऐसे कंपाउंड पैदा करेगा जिनसे कैंसर होने का रिस्क रहता है।
इसलिए ये फ्यूल में आपका बेंजीन जो है ना वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसके पीछे का मेन रीजन है, दिस इज द क्रैशोजेनिक इन नेचर, सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन द फ्यूल। जब ये बर्न होगा, जब आपका फ्यूल बर्न होगा इंजन के अंदर, तो वहां पर जो कंपाउंड जनरेट होते हैं वो कंपाउंड हमारे क्या होते हैं, वो कैंसर का कारण बनते हैं। आप क्या करोगे, वो आपका धुआं बाहर निकलेगा, ठीक है ना, वो आप लंग्स में खींचोगे तो फिर कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए बेंजीन कंपाउंड जो है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने फ्यूल में पर्टिकुलरली अवॉइड करते हैं, ठीक है ना, वो हमारा अवेलेबल ना हो, टॉलुइन हो, कुछ भी हो आपका, ठीक है। अच्छा, ये बता सकता है कोई कि आपका नॉर्मल आइसोब्यूटेन जो होता है इसका ऑक्टेन नंबर कितना होता है? अब ये जीके वाले पार्ट हैं, ठीक है ना, आइसोब्यूटेन जो होता है उसका ऑक्टेन नंबर भी 95-94 के नियर अबाउट होता है। आइसोब्यूटेन आइसोमरिक कंपाउंड है, लेकिन देखो कार्बन रेंज कितनी है, कार्बन रेंज कितनी है, मात्र 4 कार्बन है, लेकिन आइसोमरिक कंपाउंड है। कार्बन देखो कितना, आपका जो ऑक्टेन नंबर किस तरह से आपका मॉडिफाई हो गया, बस पूरी इंडस्ट्री इसी चीज के चक्कर में पागल रहती है, किस तरह से मैं ऑक्टेन नंबर जो है ना इनहेंस कर लूं। तो इंडिया में जो मोस्ट हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर का जो फ्यूल आपका सेल होता है वो आपका 92 से 94 के अराउंड होता है। पूरे वर्ल्ड में जो हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर का फ्यूल है वो 95 या 97 के नियर अबाउट है बस, ठीक है ना। चलो अब आगे बात करते हैं भाई, ऑक्टेन नंबर के सिमिलर हमारे पास क्या होता है, एक अगला और आता है, यहीं पर लिख देता हूं मैं, दैट इज द सीटेन नंबर, दैट इज द सीटेन नंबर, ठीक है ना। अब सीटेन नंबर का रोल क्या होता है भाई, हम लोगों ने अभी तक पेट्रोल फ्यूल की बात कर ली, गैसोलीन फ्यूल की बात कर ली, अब डीजल भी तो होता है, डीजल इंजन भी तो होते हैं, तो एक डिफरेंस ये भी आता है, डीजल इंजन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना, इसको जरा सा फटा जल्दी जल्दी देखते हैं। इसमें सिंपली क्या होता है, कॉन्सेप्ट इसमें ही वही है बस, यहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पर सिंपली हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एयर जो है ना वो पास करते हैं, केवल एयर और कुछ नहीं इस इंजन के सिलेंडर के अंदर। और यहां पर जो आपका पिस्टन है, ये पिस्टन हमारा वैसे ही मूव करता है, आपका बीडीएस से लेकर के टीडीएस की तरफ मूव करता है। बस यहां पर क्या होता है, यहां पर पर्टिकुलरली इंजन जो है ना इसका कंप्रेशन रेशियो हाई होता है डीजल इंजन, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर केवल और केवल आपकी एयर है, कोई भी लिक्विड फ्यूल नहीं है। तो जनरली हम लोग जानते हैं कंपेयर टू द लिक्विड जो पर्टिकुलर गैसेस होती है उनकी कंप्रेसिबिलिटी इज हाई, ठीक है ना, इसलिए हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, सिंपली एयर का यूज कर रहे हैं, और यहां पर कंप्रेशन रेशियो जो होता है डीजल इंजन का बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब एयर को सिंपली हम कंप्रेस करते हैं, तो एयर को मैक्सिमम कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि सिंपली वो क्या है, आपकी एक गैसियस मिक्सचर है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होता है, जैसे ही आपकी कंप्रेस्ड एयर होती है वैसे ही हम क्या करते हैं, ऊपर से इस पर्टिकुलरली नोजल से क्या करते हैं, फ्यूल पास करते हैं। तो जैसे ही हम फ्यूल पास करेंगे, पर्टिकुलरली कंप्रेशन के थ्रू हमारा एयर का टेम्परेचर और प्रेशर राइज कर चुका होगा, जैसे ही आप फ्यूल पास करते हैं वहां पर ब्लास्ट होता है, तो जैसे ही ब्लास्ट होगा वहां पर तुरंत ही आपका पिस्टन क्या करता है, एक्सपेंड करता है, ठीक है ना। अब अगर आपका जो फ्यूल आप यूज कर रहे हो उसका कंप्रेशन रेशियो अगर अच्छा नहीं है, मतलब कि पर्टिकुलर सपोज मान लो कोई भी आपका फ्यूल है उसका टेम्परेचर जो बर्निंग टेम्परेचर जो फायरिंग टेम्परेचर है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है ना। डीजल इंजन के लिए जो डीजल हम लोग यूज करते हैं उसका जो फायरिंग टेम्परेचर सपोज मान लो 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो फ्यूल आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना, उसका फायरिंग टेम्परेचर सपोज मान लो बहुत कम है, सपोज वो आपका 65 या 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी आपका फायर कर जाता है वो फ्यूल, ठीक है ना। तो वो आपका एयर जो कंप्रेशन आपका हो रहा है, कंप्रेशन साइकिल पूरी ना होने के पहले अगर आप एयर फ्यूल जो आपका इंजेक्ट होगा तो वहां पर जो आपका ब्लास्ट होगा तो वहां पर आपकी फिर नॉकिंग की टेंडेंसी आ सकती है, इन द केस ऑफ डीजल इंजन भी, ठीक है ना। तो प्री मेच्योर कंबंशन या फिर पोस्ट मेच्योर कंबंशन, ये दो केसेस आते हैं जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, नॉकिंग की टेंडेंसी आती है दोनों ही केसेस में, चाहे वो आपका ऑक्टेन नंबर में बात करें हम लोग गैसोलीन फ्यूल के लिए, चाहे सीटेन नंबर की बात करें डीजल फ्यूल के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर बेसिक डिफरेंस ये आता है कि यहां पर कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है और यहां पर हमारे पास सेल्फ इग्निशन इंजन होता है, ठीक है ना। वहां पर स्पार्क इग्निशन इंजन होता है, यहां पर सेल्फ इग्निशन होता है, ठीक है ना। यहां पर इग्निशन खुद से होता है, यहां पर अपने को स्पार्क करने की जरूरत नहीं है, आग फ्यूल को चिंगारी देने की जरूरत नहीं है, वो खुद से ही जलता है क्योंकि टेम्परेचर यहां पर राइज होकर के हाई हो चुका होता है, ठीक है। अब यहां पर सीटेन नंबर के लिए केसेस क्या होते हैं, अब अपने को यहां पर केसेस उल्टे होते हैं कंपेयर टू द ऑक्टेन नंबर, मतलब कि अपने को जो रिक्वायर्ड कंपाउंड है दैट विल बी द पैराफिन्स देन ऑलिफिन्स, ठीक है ना, देन अपने पास जो आएगा देन विल बी नेफ्थीन्स, मैं आइसो पैराफिन नहीं लिख रहा हूं वो आप समझदार हो क्योंकि, देन विल बी एरोमेटिक। तो इनका ऑर्डर ये होता है, इनका ऑर्डर ये होता है, ठीक है ना। तो मोस्ट डिजायरेबल कंपाउंड डीजल फ्यूल के लिए जो है दैट विल बी द पैराफिन्स, और नॉट डिजायरेबल कंपाउंड है वो एरोमेटिक है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड का पहला रीजन तो ये है कि इजिली इसमें बर्न नहीं होगा, ठीक है ना, आप फ्यूल इंजेक्ट करा दोगे लेकिन हमारा क्या है, ये आपका कंप्रेशन जो है ना, कंप्रेशन साइकिल पूरी होने के बाद एरोमेटिक कंपाउंड जो है ना वो कंप्लीट बर्निंग नहीं होगी, ठीक है ना। तो वहां पर होता क्या है कि एरोमेटिक फ्यूल के लिए जहां पर एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, पहला रीजन तो हो गया कंप्रेशन वाला, दूसरा रीजन क्या होता है, जितने भी डीजल इंजन होते हैं उनकी डिजाइनिंग इस तरह से होती है, वो मल्टी चैम्बर हमारे पास इंजन बनाया जाता है। कभी देखना अगर गाड़ी की कोई डिजाइन अगर होती है तो उसका जो बाउचर आता है तो उसमें लिखा होता है कितने चैम्बर का हमारा इंजन है,
ठीक है ना। तो वो चैम्बर जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड करने के लिए जो रिंग होती है उस रिंग में जो हम लोग लगाते हैं रबर लगाते हैं, तो वो रबर हमारी क्या होती है एरोमेटिक कंपाउंड से कोरोड हो जाती है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है। ठीक है, इसलिए भी हमारा जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो डीजल फ्यूल के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। तो ऑक्टेन नंबर सीटेन नंबर क्लियर हो गया। सीटेन नंबर के लिए जो स्टैंडर्ड फ्यूल है दैट इज द सीटेन, दिस इज द सीटेन, इसका हमारे पास वैल्यू होती है 100। और दूसरा होता है अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन, अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो इन दोनों का मिक्सचर जो है ना किसी स्टैंडर्ड हम लोग इंजन में रन करा करके देखते हैं और इसके साथ हम लोग कंपेयर करते हैं, वहां से हम लोग निकालते हैं कि पर्टिकुलरली कोई भी जो डीजल फ्यूल है जो डीजल इंजन है ना उसकी परफॉर्मेंस किस तरह से, उसका कंप्रेशन रेशियो कितना है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं भाई। इसका अगर लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं एनिलिन पॉइंट की। भाई एनिलिन पॉइंट हमारे पास जो है ना, ये एनिलिन पॉइंट हमारा डीजल जो फ्यूल है उसकी पर्टिकुलर क्वालिटी चेक करने का एक पैरामीटर है एनिलिन पॉइंट। हम करते क्या है, सिंपल लैंग्वेज सुनो केवल, हम करते क्या है कि एक बीकर में क्या लेते हैं, एक बीकर में इक्वल क्वांटिटी ऑफ एनिलिन और एक बीकर में इक्वल क्वांटिटी ऑफ हम क्या लेते हैं फ्यूल लेते हैं, कोई फ्यूल। ठीक है ना, अभी अपने को डिसाइडेड नहीं है कि डीजल ही है, अपने केवल ये चेक करना है कि पर्टिकुलरली जो फ्यूल है उसमें एरोमेटिक कंटेंट कितना है, अपने केवल ये पता करना है। ठीक है ना, इसलिए हम एनिलिन टेस्ट करते हैं। तो होता क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनिलिन और इक्वल वॉल्यूम ऑफ जो फ्यूल है उनको मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, सडनली देखो जनरली नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे एनिलिन और जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो कैसे हैं आपके, नॉट एमिसिबल है। ठीक है ना, नॉर्मल टेम्परेचर पे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करते हैं, ध्यान सुनना मेरी बात को, आपका जैसे टेम्परेचर हम लोग राइज करते हैं एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां पर ये दोनों के दोनों मिक्सचर जो है ना वो होमोजीनियस एक फेज बना लेंगे, आपको पता नहीं चले कौन सा आपका एनिलिन था और कौन सा आपका जो था वो फ्यूल था। ठीक है ना, तो द मैक्सिमम टेम्परेचर, द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच द पर्टिकुलरली एनिलिन एंड द फ्यूल इज कंप्लीटली मिसबल विद ईच अदर एंड मेक्स अ होमोजीनियस फेज, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज द एनिलिन पॉइंट। कुछ समझ में आया जो मैंने बोला, अगर नहीं समझ में आया तो एक दूसरा तरीका यह समझो। ठीक है ना, दूसरा तरीका यह समझो कि अगर पर्टिकुलरली कोई भी आपका फ्यूल है, कोई भी अगर आपका फ्यूल है तो फ्यूल हमारा क्या बोलेंगे, अगर पैराफिनिक है, अगर पैराफिन्स ज्यादा हैं या फिर फ्यूल में आपके एरोमेटिक ज्यादा हैं, भाई दो ही चीजें हम लोग को जज करनी है ना। अगर पैराफिनिक है, अगर पैराफिन्स हैं तो मतलब अपने लिए डीजल जो है, जो आपका फ्यूल है वो डीजल ऑयल वो अपने लिए सुटेबल है, अच्छा है, क्योंकि अपने को पैराफिन ही चाहिए। अगर एरोमेटिक कंपाउंड है मतलब कि अपने लिए सुटेबल नहीं है, डीजल जो है अपने लिए एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ना वो नॉट रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है ना, तो अगर कोई भी फ्यूल आपका पैराफिनिक है मतलब कि उसका एनिलिन पॉइंट जो होगा वो होगा हायर एनिलिन पॉइंट, हायर एनिलिन पॉइंट मतलब कि उसमें एरोमेटिक कंपाउंड जो है ना बहुत कम है, इसलिए जाकर के वो देर में आपका क्या हुआ होमोजीनियस फेज में आए। ठीक है ना, जिसमें इतने ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड जितने ज्यादा होंगे उतनी जल्दी आपका जो फ्यूल और एनिलिन है वो आपस में क्या हो जाएंगे होमोजीनियस फेज में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो अगर एरोमेटिक है तो मतलब क्या है आपका लोअर एनिलिन पॉइंट, लोअर एनिलिन पॉइंट। ठीक है ना, तो ये एनिलिन पॉइंट हमारे पास जो है ना, एनिलिन पॉइंट हमारा ये भी डिसाइड करता है कि पर्टिकुलरली जो आपका डीजल फ्यूल है वो डीजल फ्यूल जो है ना वो आपके लिए सुटेबल है कि नहीं। तो डीजल फ्यूल को क्वालिटी को चेक करने के लिए एक पैरामीटर और होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डीजल इंडेक्स। क्या बोलते हैं, डीजल इंडेक्स। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पर्टिकुलरली एनिलिन पॉइंट और डीजल इंडेक्स किस तरह से आपस में कोरिलेटेड है, मतलब हायर एनिलिन पॉइंट इंडिकेट्स द हायर डीजल इंडेक्स, लोअर एनिलिन पॉइंट इंडिकेट्स द हायर डीजल इंडेक्स, लोअर एनिलिन पॉइंट इंडिकेट्स द लोअर डीजल इंडेक्स और हायर एनिलिन पॉइंट इंडिकेट्स द लोअर डीजल इंडेक्स। ये ऑप्शन मैंने आपको चार बोले, मतलब कि डीजल इंडेक्स और आपका एनिलिन पॉइंट का आपस में क्या रेशियो है। तो सिंपल से सिंपल आपका जो डीजल इंडेक्स है, डीजल इंडेक्स आपका क्या है, डीजल की क्वालिटी पैरामीटर है। ठीक है ना, जिसको हम लोग चेक करते हैं तो वो पूरा का पूरा आपका डिपेंड करता है किस पे, एनिलिन पॉइंट पे। अगर आपका एनिलिन पॉइंट जो है हायर है, ध्यान सुनो मेरी बात को, अगर एनिलिन पॉइंट आपका हायर है मतलब कि आपका डीजल जो फ्यूल है दैट हैज द हायर क्वालिटी ऑफ फ्यूल और उसका डीजल इंडेक्स जो होगा उस फ्यूल का दैट विल बी हाई। ठीक है ना, इस चीज को नोट कर लो, आज से पहले नहीं बताया होगा मैंने। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि हायर एनिलिन पॉइंट, हायर एनिलिन पॉइंट इंडिकेट्स, इंडिकेट्स हायर, हायर डीजल इंडेक्स, डीजल इंडेक्स, इस चीज को नोट कर लो। ठीक है ना, डीजल इंडेक्स को निकालने के लिए कई सारी चीजें होती हैं, अपने को चाहिए क्या होता है कि पर्टिकुलरली अपने को उस पर्टिकुलर फ्यूल की एपीआई ग्रेविटी भी पता हो, फिर उसका एनिलिन पॉइंट पता हो। ठीक है ना,
तो उसके थ्रू एक फॉर्मूला होता है, उसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं, उस फॉर्मूले की अपने को नीड नहीं है, ठीक है। बस अपने को ये पता होना चाहिए कि में डीजल इंडेक्स इज द क्वालिटी पैरामीटर टू चेक द डीजल क्वालिटी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े, कोई डाउट तो नहीं है भाई, बहुत तेज तो नहीं चल रहा हूं, रफ करूं इसको, जल्दी बोला करो, जल्दी जल्दी आंसर दो मेरे को क्विक, बहुत तेज तो नहीं चल रहा हूं, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है, पूछते जाना बीच बीच में। चलो मारते रहो क्विक रिवीजन फटाफट। एनिलिन पॉइंट के बाद आगे आते हैं, एक पैरामीटर और होता है, उससे क्वेश्चन आया है कई बार, क्वेश्चन उससे भी आया है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्मोक पॉइंट, उसको बोलते हैं स्मोक पॉइंट, ठीक है ना। ये स्मोक पॉइंट जो होता है ये केरोसिन फ्यूल के लिए होता है, ये होता है केरोसिन फ्यूल के लिए। भाई देखो मैं डिफरेंट कलर के मार्कर वार्कर यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जो है ना पढ़ाने पर है इस समय। स्मोक पॉइंट हमारा यूज करते हैं किसके लिए, केरोसिन के लिए। हर टाइप के फ्यूल के लिए अलग अलग क्वालिटी पैरामीटर्स हैं। तो जो केरोसिन फ्यूल है, देखो केरोसिन फ्यूल हम लोग क्या करते हैं जब घरों में जलाते हैं, अब तो भाई कहीं पर भी स्टोव यूज नहीं होता, पहले जब स्टोव में खाना बनता था, जो मिट्टी के तेल का जो केरोसिन का जो स्टोव आता था उसको जब बर्न करते थे ना, तो उसमें जब खाना बनाते थे पूरा का पूरा बर्तन काला पड़ जाता था, ठीक है ना। तो केरोसिन हमारा जो है ना, इसको चेक करने का एक पर्टिकुलरली क्या है, एक ऑपरेटस होता है जिसके थ्रू हम करते हैं, क्या है कि स्टैंडर्ड लैंप होता है, एक स्टैंडर्ड लैंप के थ्रू क्या करते हैं, वहां पर केरोसिन फिल करके उसको हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं, स्टैंडर्ड लैंप और स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हर टेस्ट में लैंप जो है ना कोई भी उठा करके ले आया और टेस्ट करने लगे, ऐसा नहीं, एक स्टैंडर्ड लैंप है, उसका एक स्टैंडर्ड विक साइज होता है, उसकी जो बाती होती है ना वो भी एक स्टैंडर्ड साइज होता है, ठीक है ना। मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर आप जाओगे तो वही स्टैंडर्ड लैंप यूज हो रहा होता, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, जो कि यूनिफॉर्म होता है सभी जगह। तो उसमें हम क्या करते हैं, केरोसिन को भर के बंद करते हैं और उसमें चेक करते हैं कि पर्टिकुलरली किस हाइट पे, किस हाइट पे जाकर के आपका फर्स्ट स्मोक जनरेट होता है, फर्स्ट स्मोक जनरेट होता है, ये तो और नहीं दिख रहा होगा कलर, फर्स्ट स्मोक जनरेट होता है उस पर्टिकुलरली हाइट को हम लोग बोलते हैं क्या, स्मोक पॉइंट, ठीक है ना। तो पर्टिकुलरली बात ये आती है कि जितनी जल्दी आपका स्मोक जनरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान सुनना, जितनी जल्दी आपका स्मोक जनरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा उतना ही मतलब कि हमारा जो फ्यूल है उसमें एरोमेटिक कंपाउंड, केरोसिन के लिए भी एरोमेटिक कंपाउंड अपने क्या होते हैं, नॉट रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड में कार्बन रेंज ज्यादा है, ठीक है ना। तो वो आपका जब जलेगा ना फ्रीली, जब जलेगा तो वहां पर क्या होगा, कार्बन जनरेशन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो अपने पास क्या है कि स्मोक पॉइंट के लिए भी जो एरोमेटिक्स हैं, जो एरोमेटिक्स हैं दैट आर नॉट रिक्वायर्ड, तो जितने ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड होंगे उतनी जल्दी जो आपका जो पर्टिकुलर केरोसिन होगा उतनी जल्दी आपका क्या करेगा, स्मोक जनरेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं द मैक्सिमम हाइट एट विच द फर्स्ट स्मोक अपीयर इन अ पर्टिकुलरली ऑयल द पर्टिकुलर हाइट इज नोन एज द स्मोक पॉइंट ऑफ दैट फ्यूल, और ये हाइट जो हम लोग मेजर करते हैं दैट विल बी इन mm, दैट विल बी इन mm, जो स्टैंडर्ड साइज होती है, मतलब कि एक स्टैंडर्ड जो हमारे पास डाटा है जो अच्छा हम लोग मानते हैं किसी भी फ्यूल को, वो है 25 mm। अगर 25 mm तक आपका फ्यूल जो है ना वो विदाउट स्मोक आपका बर्न कर रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारा फ्यूल जो है ना, वो हमारा फ्यूल जो है ना केरोसिन फ्यूल क्या है, हमारी अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्मोक पॉइंट। चलो अब आगे बात करते हैं स्मोक पॉइंट के बाद, अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं अपनी यूनिट्स के बारे में, ठीक है। चलो पेट्रोलियम रिफाइनिंग प्रोसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो जनरली आपकी जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग की प्रोसेस है वो दो कैटेगरी में डिफाइन की गई है। दो कैटेगरी में सबसे पहले जो कैटेगरी आती है उसको हम लोग बोलते हैं सेपरेशन, ठीक है ना। वहां पर केवल और केवल क्या होता है, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स का सेपरेशन होता है, ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि आपके घर में अगर कोई भी चावल, जो लोग थोड़ा सा गांव से रिलेट करते हैं उनको भी अगर चावल आता है तो चावल को अगर आप देखो तो उसमें कई टाइप के मिक्सचर होते हैं। उसमें एक ऐसा पार्टिकल होगा जो बहुत छोटा होगा, एक होगा जो बीच से टूटा हुआ होगा, एक होगा जो पूरा का पूरा फुल होता है, टूटा हुआ नहीं होता है। तो उनको अगर हमने को अलग अलग करना है, सेपरेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, उनको डिफरेंट टाइप की स्क्रीन से आप क्या करोगे, छानोगे ना, स्क्रीनिंग करोगे। तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, वो भी आपका क्या है, एक यूनिट ऑपरेशन है। लेकिन हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं भाई, यहां पर चावल की बात नहीं हो रही ना, यहां पर बात हो रही किसी एक फ्यूल की, किसी एक लिक्विड की बात हो रही है। तो उस लिक्विड से जो मैक्सिमम वैल्यूएबल कंपाउंड्स हैं उनको सेपरेट आउट करना है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उसमें हीट अप्लाई करना। तो हीट अप्लाई करने में जो आपका हाईली वोलाटाइल होगा, जो जल्दी वेपराइज होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा वो जल्दी आपका निकल करके आएगा, जिसका इंटरमीडिएट होगा वो थोड़ा सा देर में निकलेगा, जो और उससे कम होगा वो और देर में निकलेगा, जिसका आपका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना, वो बहुत देर में निकलेगा।
तो बेसिकली टेम्परेचर रेंज, ये जो टेम्परेचर रेंज होती है किसी एक पर्टिकुलर क्रूड ऑयल की, इसको यूटिलाइज करते हुए इसको हम लोग पास करते हैं सेपरेशन प्रोसेस में। और सेपरेशन प्रोसेस के अंदर सबसे पहली जो यूनिट आती है दैट इज द CDU, इसको बोलते हैं क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट। इसके अंदर में दो यूनिट आती है, मतलब कि एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट। इन दो यूनिट की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर केवल और केवल सेपरेशन प्रोसेस होती है, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप के आप प्रोडक्ट्स बोलो या डिफरेंट टाइप के आप कट्स बोलो, डिफरेंट टाइप के आप पार्ट्स बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, जो कि यहाँ पर सेपरेट होते हैं केवल। अब सेपरेशन होने के बाद जो कन्वर्जन की बात आती है, जब कन्वर्जन की बात आती है तो कन्वर्जन के लिए अपने पास डिफरेंट यूनिट्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। कन्वर्जन का मतलब क्या है अपन अच्छे से जानते हैं, वो कन्वर्ट हो रहे होंगे किसी न किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो कन्वर्जन के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम वहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन को अप्लाई करें। तो केमिकल रिएक्शन जब अप्लाई होती है तो ऑब्वियसली बात है केमिकल रिएक्शन का अगर रेट हमें हाई करना है, केमिकल रिएक्शन जल्दी हो जाए, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं फिर कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो अपने पास जो कन्वर्जन की यूनिट्स आती हैं वो सबसे पहले जो यूनिट्स आती है दैट इज़ द FCC, फ्लूडाइज कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आती है रिफॉर्मिंग, जो इंपॉर्टेंट यूनिट है मैं उनका नाम लिख रहा हूँ, केवल बता चुका हूँ पहले भी, पूरी की पूरी रिफाइनरी में कम से कम जो मेजर यूनिट्स होती हैं 23 से 24 यूनिट्स होती हैं, ठीक है ना। लेकिन हमको गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट यूनिट मैं उनके नाम लिख रहा हूँ। FCC के बाद रिफॉर्मिंग, रिफॉर्मिंग के बाद आपकी आती है एल्काइलेशन, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन, और लास्ट में यूनिट आती है वो कोकिंग और विस्ब्रेकिंग की आती है, कोकिंग और विस्ब्रेकिंग की आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सब जगह क्या हो रहा है, यहाँ पर केवल और केवल कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन प्रोसेस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फ्यूल को दूसरे पर्टिकुलर फ्यूल में, जो है ना बेटा। जेट फ्यूल जो है ना, जेट फ्यूल जो है वो आपका केरोसिन के सिमिलर ही होता है, मतलब जनरली जेट फ्यूल हम लोग जो बोलते हैं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल भी उसको बोलते हैं ATF। एक बार क्वेश्चन ये आ चुका है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल इज सिमिलर टू द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड फॉलोइंग फ्यूल, ये क्वेश्चन एक बार आया है कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसके सिमिलर होता है। तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो केरोसिन के सिमिलर होता है। उसकी प्रॉपर्टीज जो होती है ना, कार्बन रेंज जो लगभग आपके डिफरेंट होता है, ठीक है ना, एक या दो कार्बन का डिफरेंस होता है बस, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं जेट फ्यूल या फिर एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ठीक है, वो आपका केरोसिन के सिमिलर होता है। तो कन्वर्जन और सेपरेशन इन दो की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब आते हैं जरा इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले अपनी जो यूनिट आती है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं यहां पर सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं FCC। भाई जो अपनी जो बेसिक यूनिट मैंने बताई ना, क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट के अंदर जो अपना आपकी एटमॉस्फेरिक और वैक्यूम डिस्टिलेशन जो यूनिट है, ठीक है ना, उससे कोई मेजर क्वेश्चन नहीं आता है। सिंपली वो यूनिट होती क्या है बस वो सुन लो, ठीक है। रिफाइनिंग प्रोसेस कैसी होती है वो सुन लो केवल, ठीक है। होता क्या है, सिंपली जब आपके इंडस्ट्री में क्रूड ऑयल एंटर करता है तो क्रूड ऑयल एंटर करने के पहले जहां पर उसका एक्सप्लोरेशन होता है वहां पर भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने बोला था ना कि जनरली क्या होता है क्रूड ऑयल के अंदर, बस सुनते रहो फटाफट, केवल आपको सुनना है, ठीक है ना। अब इसमें नींद अगर नहीं आनी चाहिए क्योंकि इतना फास्ट स्पीड में बीच में एंजॉयमेंट नहीं हो पाता यार, ठीक है। चलो तो अपने पास सबसे पहले क्या होता है, एक अपने पास ऑन साइट डिसाल्टिंग होती है, सबसे पहले ऑन साइट डिसाल्टिंग होती है। दूसरी होती है अपने पास ऑफ साइट डिसाल्टिंग। ये दो चीजें होती हैं, ऑन साइट एंड ऑफ साइट। ऑन साइट का मतलब जहां पर एक्सप्लोरेशन होता है वहां पर हम लोग डिसाल्टिंग करते हैं, और ऑफ साइट की जहां पर बात होती है मतलब जब आपका क्रूड जो है ना रिफाइनरी के अंदर एंटर करता है वहां पर भी डिसाल्टिंग होती है। तो मैंने अभी बताया था साल्ट्स अवेलेबल होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है ना, इसके अलावा सोडियम, ये सारे के सारे साल्ट जो हमारे वाटर की हार्डनेस को एम्फोसाइज करते हैं ना, जो वाटर की हार्डनेस के लिए रीजन होते हैं, वही सारे के सारे साल्ट हमारे यहाँ पर भी अवेलेबल होते हैं। तो हमें करना क्या होता है, ये जो साल्ट है इन साल्ट को रिमूव करना है, ठीक है ना। तो ये साल्ट तो रिमूव होते ही हैं, कई टाइप की इंप्योरिटीज हमारे पास अवेलेबल होती है क्रूड ऑयल में, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक इंप्योरिटीज, तो उन सबको रिमूव करने काम होता है। तो जो हाइड्रोफोबिक इंप्योरिटीज होती हैं वो डिसाल्टिंग से रिमूव हो जाती है, लेकिन जो हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है जैसे कि आपका निकेल, वेनेडियम, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या होती है हमारे पास हाइड्रोफिलिक नेचर की है, तो ये क्या होती है रिमूव नहीं होती है। तो इनको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिफाइनिंग में सेपरेट यूनिट लगानी होती है, इसको बोलते हैं हाइड्रोटेटिंग। तो डिसाल्टिंग के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ये जो है ना इनके साल्ट्स जो है ना इनको रिमूव कर रहे हैं, इनको रिमूव करने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो हम रिमूव करेंगे डिसाल्टिंग यूनिट में। तो वहां पर सिंपली करते क्या है, पहले हम क्या करते हैं हीटअप करते हैं फ्यूल को, उसको हॉट वाटर के साथ में गर्म करते हैं और सिंपली सेटलिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये यूनिट ऑपरेशन हमारा आपका यूज होता है डिसाल्टिंग के लिए। डिसाल्टिंग होने के बाद क्रूड हमारा आता है रिफाइनरी में,
तो रिफाइनिंग में फिर से एक बार डिसाल्टिंग होती है, डिसाल्टिंग के बाद पहुंचता है क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में। सबसे पहली जो यूनिट होती है क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में, हम लोग करते क्या है, जो आपका डिसाल्टेड क्रूड आ रहा है उसको क्या करते हैं, सबसे पहले प्री हीट करते हैं। सीरीज ऑफ एक्सचेंजर लगे होते हैं, एक्सचेंजर की पूरी पूरी सीरीज लगी होती है, उसमें क्या करते हैं उसको प्री हीट करते हैं, ठीक है ना। सिंपल सी बात यह है कि फ्रिज से दूध निकाल करके लाओ और उसको अला करके गैस में रख दो, और एक कोई नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध का भगोना है उसको गैस के ऊपर रख दो। दोनों को बॉयल होने में कितना टाइम लगेगा सभी अच्छे तरीके से जानते हो, क्योंकि पर्टिकुलरली जो आपका कोल्ड चिल्ड जो आपका मिल्क था उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर में आने के लिए उसने क्या किया, पहले एनर्जी कंज्यूम की, ठीक है ना, फिर वो बॉयल करना स्टार्ट करेगा। लेकिन जो नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा हुआ मिल्क है वो आपका स्टार्टिंग से ही क्या करेगा, वो आपका एनर्जी कंज्यूम करके और आपका नॉर्मल एक टाइम पे क्या होगा, वो बॉयल होने लगेगा। तो सेम चीज अपने को हम लोग क्या करते हैं, इसको यूटिलाइज करते हैं, जो क्रूड ऑयल है ना उसको क्या करते हैं, प्रीहीट करते हैं। प्रीहीट करने के लिए क्या करते हैं, सीरीज ऑफ एक्सचेंजर यूज करते हैं, फिर उसके बाद पहुंचाते हैं फर्नेस में। तो फर्नेस में क्या होता है, एक डायरेक्ट हीटिंग होती है, ट्यूबुलर फर्नेस होती है, उसमें डायरेक्ट हीटिंग करते हैं हम लोग, तब उसको लेकर के आते हैं आपका एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट में। उस यूनिट का नाम एटमॉस्फेरिक इसलिए रखा गया, पूरी पूरी यूनिट जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रन कर रही है, एक प्राइमरी यूनिट होती है, और वहां से अपने पास जो पार्ट्स निकलते हैं, ध्यान सुन लो फटाफट जल्दी से, अपने पास जो पार्ट निकलते हैं वो निकलता है आपका अनस्टेबलाइज्ड नेफ्था, ठीक है ना, इसके बाद निकलता है आपका स्टेबलाइज्ड नेफ्था, ठीक है, इसके बाद लाइट गैस ऑयल। अब इस लाइट गैस ऑयल के अंदर बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं, अभी अपने को ये नहीं पता लाइट गैस ऑयल हमारे पास जो केरोसिन है, डीजल है, या फिर आपका क्या है, पेट्रोल है, अपने को नहीं पता। तो इन सब में क्या है, अपने पास अभी बहुत सारे फ्रैक्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन इनका एक बॉइलिंग पॉइंट के रेंज के हिसाब से अलग अलग फ्रैक्शन जो है निकल करके आ जाते हैं, ठीक है। इनको फर्दर जब हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो वहां से अपने पास वॉल्यूबल कंपाउंड निकल करके आएंगे। लाइट गैस ऑयल, हैवी गैस ऑयल, ठीक है ना, और निकल करके आता है आपका रेजिडुअल ऑयल, ये निकल करके आता है, ठीक है ना, ये फ्रैक्शंस निकल करके आते हैं। फिर आपका क्या करते हैं, रेजिडुअल ऑयल जो है ना इसको पास करते हैं किसमें, वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में। हम क्या कर सकते हैं, देखो वहां पर हम लोग टेम्परेचर राइज करके भी क्या कर सकते हैं, हम लोग टेम्परेचर राइज करके भी सेपरेशन प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर राइज करने में क्या होगा, पूरा का पूरा जो आपका क्रूड ऑयल है उसमें अभी आपके हैवियर कंपाउंड भी अवेलेबल हैं, तो वहां पर आप कर सकते हो सेपरेशन, लेकिन वहां पर क्या होगा, वहां पर हाई टेम्परेचर, अगर आप कहीं पर भी, अगर हाई टेम्परेचर मतलब हो गया वहां पर आप बर्निंग करो, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होगा कि फिर आपका जो कार्बन है ना वो कार्बन बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां पर कोक जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली वैक्यूम के थ्रू क्या करते हैं, वहां पर सेपरेशन प्रोसेस को अप्लाई करते हैं वैक्यूम प्रेशर के थ्रू, और तो वहां से जो वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट होती है वहां से तीन फ्रैक्शन निकलते हैं। वो तीन फ्रैक्शन कौन से होते हैं वो सुन लो जरा, लाइट वैक्यूम गैस ऑयल, हैवी वैक्यूम गैस ऑयल और वैक्यूम रेजिड्यू, ये तीन फ्रैक्शन निकलते हैं बस, ठीक है ना। तो यहां से ये जितने भी निकले हुए हैं ना, ध्यान सुनना मेरी बात को, ये जितने भी निकले हुए फ्रैक्शन है एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट के, इनको पास कर देते हैं कहां पर हम लोग, इनको फर्दर पास कर देते हैं कन्वर्जन यूनिट्स में, यहां पर आपका कन्वर्जन होने लगेगा, ठीक है ना। मतलब ये जितने भी फ्यूल्स निकले हैं इनमें अभी क्या है, ये एक तरह से लो ऑक्टेन नंबर के फ्यूल्स हैं, 50-60 ऑक्टेन नंबर बस इतना है, और वहां पर अभी अपने को जस्टिफाई भी नहीं है कि वो आपका केरोसिन है या पेट्रोल है। यहां जो निकला वो बॉटम प्रोडक्ट है, इसको पास करते हैं किसमें हम लोग, इसको बात करते हैं आगे की यूनिट में, जो आपके सामने टाइटल का नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना, और उसका नाम है आपके पास फ्लूडाइज कैटालिटिक क्रैकिंग। सबसे प्राइमरी यूनिट होती है, हार्ट ऑफ द रिफाइनरी बोलते हैं, जीरो कॉस्ट पे रन करती है, बहुत ही बेहतरीन यूनिट होती है। अगर यहां पर कभी भी आपको समर ट्रेनिंग करने का मतलब मिलता है ना, पूछते हैं बेटा कट्स के बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन पूछते हैं, आपके हर क्वेश्चन का आंसर मैं आज देकर के जाऊंगा, पूरा जब सेशन जब हो जाएगा ना, अभी सब कुछ आपको मिलने वाला है। जो कट्स होते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, पूछा गया है, दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो कट्स क्या होते हैं वो हम लोग अभी बाद में सबको डिस्कस करेंगे, अभी सुनते रहो बस, ठीक है, आपके हर क्वेश्चन का आंसर आज मिलेगा। तो एफसीसी हमारी क्या है, प्राइमरी यूनिट है, ठीक है। तो अगर कभी भी आपको इन द टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री अगर आपको विजिट करने का मौका मिलता है, रिफाइनरी में अगर आपको इंडस्ट्री ट्रेनिंग का मौका मिलता है, कोशिश करो एक बार एफसीसी को देख करके आओ, ठीक है ना, क्योंकि प्राइमरी यूनिट है। सिंपल सा इसमें पैरामीटर क्या है कि एफसीसी फ्लूडाइज कैटालिटिक क्रैकिंग की बात हो रही है, हम लोग करने क्या वाले हैं, चलो कोई बात नहीं, जस्ट सिंपली होता क्या है कि अब सीसी हमारे पास जो है, हम लोग करते ही क्या है कि अब अपने पास जितने भी प्रोडक्ट निकल करके आए हैं किसके, वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट के, वो सारे के सारे कैसे हैवियर कंपाउंड्स हैं, मतलब कि लॉन्ग चेन कंपाउंड्स हैं। हम क्या करेंगे, उनको ब्रेक करेंगे शॉर्ट कंपाउंड्स में, लाइटर कंपाउंड्स में ब्रेक करेंगे। तो क्रैक करने का मतलब क्या होता है, अगर ये हाथ है, हाथ की हड्डी यहां से लेकर के यहां तक क्या सिंगल है, अब छोटे छोटे टुकड़े करने, तो आप क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे ना, तो हम लोग ब्रेक करना नहीं, इसको बोलेंगे क्रैक करना,
ठीक है ना, क्रैक करके क्या करेंगे, उसको तोड़ के निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्रैकिंग ऑपरेशन दो टाइप की होती है जनरली जो यूज की जाती थी। ये कैटेलिटिक क्रैकिंग जो है ना, इसका दौर अभी आया 1925 की 1930 के आसपास का दौर आया। पहले हम लोग यूज करते थे थर्मल क्रैकिंग का। तो थर्मल क्रैकिंग और दो दूसरी जो आपकी होती है वो होती है कैटेलिटिक क्रैकिंग। ठीक है, थर्मल और कैटेलिटिक। तो थर्मल क्रैकिंग में क्या होता था, अपने को हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो हाई टेम्परेचर का मतलब ये क्रैकिंग ऑपरेशन जो होती है ना 700-800 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होती है। तो टेम्परेचर मेंटेन करना एक टफ टास्क होता है, उसके लिए आपको हाई एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हाई कॉस्ट पे करिए आप। तो वहां पर हम लोगों ने हेल्प लिया किसी कैटलिस्ट, क्योंकि आपकी कोई भी रिएक्शन अगर है, रिएक्शन ही तो सिंपल हो रही है ना, तो कोई भी रिएक्शन अगर है तो वो आपकी इजीली एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, अगर हमारा क्या है, अगर प्रोडक्ट मिल रहा है, अगर उसी पर्टिकुलरली रेट से, ठीक है ना, उस रेट को इंक्रीज करके अगर हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो वहां पर हम लोगों ने यूज किया फिर किसका, कैटलिटिक क्रैकिंग का। तो इससे अपने पास टेम्परेचर जो था वो भी आपका क्या हो गया, फिजिबल हो गया, और जो अपने पास कॉस्ट थी वो भी फिजिबल हो गई। ठीक है ना, तो FCC जो आपके सामने यूनिट लिखी हुई है, फ्लूडाइज कैटलिटिक क्रैकिंग यूनिट, ये करंट टाइम में जो यूनिट यूज हो रही है, ठीक है ना, उसका एक फ्लो शीट है मेरे पास, उसको समझते हैं, वहां से आते हैं जरा। अच्छा, पहले ये बताओ कि ये पूरी की पूरी फ्लो शीट जो है विजिबल है कि नहीं विजिबल है, मेरे को ये बताओ जरा जल्दी से, विजिबल है कि नहीं सभी को? कोशिश तो मैंने की है कि विजिबल हो, क्योंकि अगर विजिबल नहीं होगी, मैं समझाना स्टार्ट कर दूंगा तो प्रॉब्लम होगी। अब ये बताओ ये कलर दिख रहा है कि नहीं, नहीं तो ब्लैक कलर चूज करता हूं। विजिबल है ना सभी को, विजिबल है सभी को? चलो कोई दिक्कत नहीं है, आज 25 लोग ही अपने साथ जुड़े हुए हैं। चलो सब दिख रहा है ना, चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले होता क्या है, आपके सामने जो सेटअप बना हुआ है, आप हाँ ठीक है, अब आपके सामने जो सेटअप बना हुआ है, सिंपल कोई भी आपकी FCC यूनिट है उसका सेटअप है। तो यहां पर सबसे पहले जो आपका फोकस गया होगा वो गया होगा यहां पर राइजर में। ये जो राइजर सेटअप है ना, तो ये राइजर सेटअप जो है ये करंट टाइप की FCC जो है ना उसमें यूज करते हैं। पहले हम क्या करते थे यहां पर हम लोग बेड रिएक्टर का यूज करते थे, ठीक है ना। बेड रिएक्टर मतलब क्या होता था, सिंपली कोई एक रिएक्टर होता था, उसमें हम लोग पैकिंग का यूज करते थे। तो पैकिंग में हमारे पास क्या होता था, जो उसके पोर्स होते थे वहां पर कैटलिस्ट रखते थे, फिर वहां से हम लोग क्या कराते थे, रिएक्शन कराते थे, और फिर क्रैकिंग रिएक्शन होती थी। लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं थी, तो उसको रिप्लेस किया गया किसके थ्रू, राइजर ट्यूब के थ्रू। अब यहां पर जो पूरी की पूरी क्रैकिंग रिएक्शन होने वाली है वो होगी इस ट्यूब के अंदर, ये तो बात हो गई। अब यहां पर रिएक्शन क्या होगी, सबसे बड़ी बात ये आती है कि रिएक्शन यहां पर क्या होगी। रिएक्शन सिंपली ये होती है, जितने भी आपके पैराफिन्स, ओलेफिन्स और नेफ्थिन्स अवेलेबल हैं, ध्यान सुनना मेरी बात को, पैराफिन्स, ओलेफिन्स और नेफ्थिन्स जो है ना, उनको क्या करना है, जो आपके हैवियर हाइड्रोकार्बन्स, उनको ब्रेक करना है शॉर्टर चेन में, शॉर्टर हाइड्रोकार्बन्स में। मतलब कि अल्टीमेटली जो हैवियर पैराफिन्स हैं उनको ब्रेक करेंगे शॉर्टर ओलेफिन्स में, जो हैवियर ओलेफिन्स हैं उनको हम लोग ब्रेक करेंगे शॉर्टर किसमें, शॉर्टर पैराफिन्स और ओलेफिन्स में, जो हैवियर नेफ्थिन्स हैं उनको हम लोग ब्रेक करेंगे पैराफिन्स और ओलेफिन्स में, या जो नॉर्मल पैराफिन्स हैं। तो यहां पर रिएक्शंस कौन कौन सी होती है जरा उसको ध्यान सुनना, ठीक है, रिएक्शंस कौन सी होती हैं। पहली जो रिएक्शन होती है, जो क्रैकिंग रिएक्शन होती है, जिसको हम लोग क्रैकिंग बोलते हैं, ठीक है ना, क्रैकिंग के थ्रू आपका क्या होगा कि जो आपका हैवियर हाइड्रोकार्बन है, जो लॉन्ग स्ट्रक्चर, वो ब्रेक होगा शॉर्टर में। तो वो कहां से होती है, वो होती है आपकी हाई टेम्परेचर की वजह से। दूसरी रिएक्शन यहां पर क्या होगी, दूसरी रिएक्शन यहां पर होगी हाइड्रोजन ट्रांसफर। अच्छा, क्रैकिंग रिएक्शन एक्चुअली में क्या होती है, एक बार क्वेश्चन ये भी आया है, क्रैकिंग में एक्चुअली में होता क्या है पता है, क्रैकिंग में एक्चुअली में क्या होता है, ये प्रोसेस जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन रिजेक्शन प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कार्बन रिजेक्शन। यहां पर होता क्या, कार्बन रिजेक्ट होता है। तो कार्बन जब रिजेक्ट होगा तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, जब कार्बन रिजेक्ट होगा तो आपका स्ट्रक्चर जो है ना वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कार्बन रिजेक्ट होने में क्या होता है कि शॉर्टर चेन तो बनती है, लेकिन कुछ कार्बन हमारा क्या होता है, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर वो बर्न हो जाता है, ठीक है ना। वो आपका क्या बन जाता है, वो कार्बन आपका क्या हो जाता है, पाउडर्ड फॉर्म में या फिर आपका एक वेस्ट के फॉर्म में जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो क्रैकिंग जनरली क्या है, कार्बन रिजेक्शन प्रोसेस है, और हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन होती है। हाइड्रोजन ट्रांसफर के अलावा यहां पर क्या होगा, साइक्लाइजेशन होगा, साइक्लाइजेशन होगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन ट्रांसफर को ही हम लोग हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, हाइड्रोजन ट्रांसफर को हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। तो अगर कोई भी ओलेफिन है, ध्यान सुनना, अगर कोई भी पैराफिन है, पैराफिन में अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन करा रहे हैं, तो वो पैराफिन को हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करा देते हैं और साइक्लाइजेशन रिएक्शन अगर करा देते हैं तो वो आपका कन्वर्ट हो सकता है, हो सकता है नेफ्थीन में, फिर एरोमेटिक कंपाउंड में। लेकिन अगर आपका कोई भी ओलेफिन है, उस ओलेफिन में अगर हम लोग हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन करा देते हैं तो वो हमारा कोक जनरेशन करने लगता है,
ठीक है ना, साइक्लाइजेशन हो गया, ठीक है ना, और डिहाइड्रोजिनेशन भी होता है। डिहाइड्रोजिनेशन क्या होता है, नेफ्थीन के केस में होता है। ये सारी की सारी रिएक्शंस जो है ना यहाँ पर कंप्लीट होती हैं, हाइड्रोजिनेशन हो, डिहाइड्रोजिनेशन हो, साइक्लाइजेशन हो, ठीक है ना, और क्रैकिंग, ठीक है ना। तो डिहाइड्रोजिनेशन हमारा अगर नेफ्थीन है, नेफ्थीन का अगर डिहाइड्रोजिनेशन कर देते हैं तो हमारा एरोमेटिक में कन्वर्ट होने लगता है। तो कुल मिलाकर के जितने भी वैल्यूएबल कंपाउंड्स हैं वो यहाँ से एक तरह से निकलना आपके स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होती है क्रैकिंग की बात। ये क्रैकिंग केमिस्ट्री मैंने आपको बता दी कि इस पर्टिकुलर रिएक्टर के अंदर होने क्या वाला है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं किस तरह से आपका रिएक्टर जो है ना वो वर्क करता है। जनरली ये पूरी की पूरी यूनिट जो होती है ना, दो सेटअप का कॉम्बिनेशन होती है, एक बोलते हैं रिएक्टर, दूसरे को बोलते हैं रीजनरेटर, ठीक है ना। रिएक्टर यहाँ पर लिखा नहीं है, इसको बोलते हैं रिएक्टर, मैं लिख देता हूँ, ये होता है रिएक्टर और इसको बोलते हैं रीजनरेटर, ये लिखा हुआ है। रिएक्टर के अंदर आपकी रिएक्शन होगी, रीजनरेटर के अंदर हम कैटलिस्ट को क्या करते हैं, दोबारा से रीजनरेट कर लेते हैं, उसको वेस्ट नहीं करते हैं। 25 साल में एक बार कैटलिस्ट हम लोग चेंज करते हैं एफसीसी यूनिट में, ठीक है ना। अब होता क्या, सिंपली उसको जरा ध्यान से देखो, नीचे से दिख रहा होगा सभी को, हम लोग करते क्या है, जो फीड हमारा होता है इस राइजर ट्यूब में नीचे से पास करते हैं। सभी लोग ध्यान सुनना जरा, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन यहां से आता है मुझे, इसलिए इसका फ्लोशीट बताना पड़ रहा है आपको। फीड हमारा क्या करते हैं, नीचे से पास करते हैं। अब फीड हमारा क्या होता है, लिक्विड स्टेज में फीड कौन सा आ रहा है, वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट का जो आपका बॉटम था वो आ रहा है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन कई बार क्या आया, अगला क्वेश्चन ये आया कि मोस्ट प्रेफरेबल एफसीसी फीड। एक बार क्वेश्चन ये आ चुका है, बहुत लोग कंफ्यूज हुए हो, कैटालिटिक नेफ्था, वर्जिन नेफ्था, कोकिंग नेफ्था, ध्यान आ रहा है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अब मेरी बात यहां पर सुनो, उस क्वेश्चन का आंसर यहां पर सुनो। जनरली होता क्या है कि अपने को जो फीड चाहिए होता है वो चाहिए होता है फ्रेश। फ्रेश का मतलब ये वो ट्रीट ना किया गया हो कहीं पर भी, ठीक है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं वर्जिन। वो पहले और कहीं पर भी आपका ट्रीटमेंट उसका ना हुआ, किसी और यूनिट में उसको हम लोगों ने प्रोसेस ना किया हो। तो मोस्ट प्रेफरेबल जो है यहां पर इस यूनिट के लिए जो मोस्ट प्रेफरेबल है, सबसे पहले जो वो अपने को चाहिए होता है पर्टिकुलरली वर्जिन नेफ्था। तो वर्जिन नेफ्था को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्जिन नेफ्था है अपने पास जो वहां से उसका बॉटम प्रोडक्ट निकल करके आ रहा है वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट का, उसको हम लोग पहले ट्रीट करते हैं। इसके बाद आपके पास जो आता है वो आता है आपका रिफॉर्मिंग का नेफ्था। रिफॉर्मिंग वाले सेक्शन से जो आपका प्रोडक्ट निकल रहा है ना, बॉटम प्रोडक्ट, हर इंडस्ट्री का एक तरह से हर यूनिट का जो बॉटम प्रोडक्ट होता है ना, या फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, टॉप नहीं, टॉप का मतलब तो फाइनल हो गया, जो इंटरमीडिएट या बॉटम प्रोडक्ट होता है उसको ला करके हम लोग यहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि जितने बॉटम प्रोडक्ट होंगे सारे के सारे हैवियर होंगे, तो उन हैवियर को हम लोग यहाँ पर और ब्रेक करके लाइटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोकिंग नेफ्था सबसे लास्ट में आता है, क्योंकि उसमें कोक कंपाउंड ज्यादा होता है, वो सबसे ज्यादा हैवी होता है, वो बहुत कम प्रेफर करते हैं, अपने को नहीं चाहिए होता है लेकिन मजबूरी है, वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसको भी अगर उसका फ्रैक्शन ज्यादा है तो उसको क्या कर लेते हैं, फिर यहाँ पर ट्रीटमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले अपने को चाहिए होता है वर्जिन नेफ्था, फिर आपका होता है पर्टिकुलरली रिफॉर्मिंग का नेफ्था, ठीक है, हाइड्रोटेटिंग का नेफ्था, सबसे लास्ट में आता है आपका कुकिंग का नेफ्था, ठीक है। चलो, तो जो फीड आ रहा है, फीड आपको पता चल गया, उस फीड को क्या करते हैं, अपने पास जो फीड आ रहा है वो लिक्विड फॉर्म में, उससे करना क्या है, हमारे पास रिएक्शन यहाँ पर जो होनी पूरी पूरी रिएक्शन होगी वेपर स्टेज में, ध्यान सुनो जल्दी जल्दी। तो वेपर स्टेज में अगर रिएक्शन करानी, तो वेपर स्टेज मेंटेन करने के लिए, फीड को वेपराइज करने के लिए क्या करते हैं, नीचे से क्या करते हैं, स्टीम पास करते हैं। तो स्टीम के से क्या होता है, पूरा फीड जो है ना वो आपका वेपराइज हो जाता है, वेपर स्टेज में आ जाता है, और साइड से क्या करते हैं, दूसरी साइड से यहाँ रिजनरेटर से जो आपका रिएक्टर है, रिएक्टर में आपका कैटलिस्ट यूज करते हैं। कैटलिस्ट कौन सा आता है, कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं, जो ध्यान सुनना आप इसको भी, वो यूज करते हैं जियोलाइट बेस्ड कैटलिस्ट। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको ध्यान सुनते जाओ, जियोलाइट बेस्ड कैटलिस्ट का यूज करते थे 1960 में, ठीक है ना। वहां पर क्या हुआ, ये जियोलाइट कैटलिस्ट जो था ना, इसकी पोरोसिटी और इसकी डेंसिटी जो थी ना बहुत कम थी, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। इसको मॉडिफाई जब किया गया, इसको नाम दिया गया, इसको बनाया गया ZSM-5, इसका नाम दिया गया 1965 के आसपास, ठीक है ना। अब इसको और मॉडिफाई कर दिया गया, इसको हम लोग बोलते हैं अब इसको बोलते हैं Y-Zeolite, मतलब हमें अल्टीमेटली मतलब क्या है, पर्टिकुलर जो आपका कैटलिस्ट है उसकी पोरोसिटी से, वो आपका कैटलिस्ट जितना ज्यादा पोरस होगा, जितना ज्यादा पोरस होगा उतना ज्यादा मास ट्रांसफर रेट आपका क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है ना, उतना ज्यादा कन्वर्जन आपका अच्छा होगा, ठीक है। तो अब करेंटली हम लोग कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो ये दोनों यूज करते हैं, ZSM-5 और Y-Zeolite बोलते हैं। ये जनरली हमारा क्या होता है, पाउडर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है ना। और जो हम लोग पाउडर्ड फॉर्म का साइज यूज करते हैं वो आपका 80 मेस साइज का हमारे पास फॉर्म होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग इसमें यूज करते हैं। अब आपका कैटलिस्ट जो आ रहा है वो कैसा है, वो आपका हार्ड कैटलिस्ट है, यहां से जो कैटलिस्ट आ रहा है वो कैसा है, हार्ड है। तो उसको हार्ड कैसे किया गया, रिजनरेटर में उसका टेम्परेचर कितना है, वो टेम्परेचर है आपका 650 से लेकर के 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इतना हम लोगों ने इसको हीटअप किया है, इतना रिएक्शन के लिए टेम्परेचर अपने को चाहिए होता है। तो यहां से जो फीड आपका वेपराइज स्टेज में, यहां से आपका जो कैटलिस्ट आ रहा है उसको क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा, क्रैकिंग होगी रिएक्शन, ये क्रैकिंग रिएक्शन होगी विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट आपका क्या कर रहा है, क्रैकिंग रिएक्शन में आपका रिएक्शन रेट को इंप्रूव कर रहा है, प्लस जो आपका रिएक्शन के लिए हीट रिक्वायर्ड है वो रिएक्शन के लिए हीट प्रोवाइड हो रही है इस पर्टिकुलर हॉट कैटलिस्ट से।
तो क्रैकिंग रिएक्शन यहां पर जो होती है इस राइजर ट्यूब के अंदर क्रैकिंग रिएक्शन होती है, और रिएक्शन आपकी 1 से 3 सेकंड के अंदर, 1 से 3 सेकंड के अंदर पूरी पूरी रिएक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। और यहां से क्या होता है आपके हैवियर हाइड्रोकार्बन जो है लाइटर हाइड्रोकार्बन में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो जो लाइटर हाइड्रोकार्बन है ऊपर आपकी जो आपको दिख रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं साइक्लोन सेपरेटर्स। यहां पर क्या होगा, कटलिस हमारा कैसा था, सॉलिड फॉर्म में था, बाकी हमारा वेपर्स थी। सॉलिड और गैस को सेपरेट करने का जो अपने सरप्रास यूनिट ऑपरेशन यूज करते हैं वो है साइक्लोन। तो साइक्लोन के थ्रू हम क्या करेंगे, जो वेपर्स हैं, वेपर किसकी है, वो लाइटर फ्रैक्शन की वेपर, ठीक है ना, उनको हम क्या करेंगे, उनको टॉप सेपरेट कर लेते हैं, टॉप से सेपरेट कर लेंगे, उनको अलग कर लेंगे। और जो आपका सॉलिड कटलिस है वो हमारा क्या होता है, नीचे फॉल हो जाता है। अब वो कटलिस हमारा क्या, उस कटलिस के सरफेस हमारे पास क्या वाला क्रैकिंग रिएक्शन है, कार्बन रिजेक्शन प्रोसेस। तो जो कार्बन रिजेक्ट हुआ है ना रिएक्शन में, वो क्या करता है, कटलिस के सरफेस पर डिपॉजिट हो जाता है, काला पड़ जाता है वो, ठीक है ना, वो इनएक्टिव हो जाता है, वो कोल्ड हो जाता है। तो वो क्या करता है, जो आपके नीचे डिपॉजिट हो जाता है, हम क्या करते हैं साइड से कुछ टाइम इंटरवल के लिए स्टीम पास कर देते हैं। स्टीम पास करने से क्या होता है कि कटलिस के सरफेस में जो आपका लाइटर हाइड्रोकार्बन चिपक रहा है, ठीक है ना, उसको क्या करता है, वो उसको वेपराइज कर देता है, ठीक है। अब आपका जो कोल्ड इनएक्टिव और कोक्ड कैटलिस्ट है उसको हम लोग पास करते हैं रीजनरेटर में। तो रीजनरेटर में जब ये आपका पहुंचता है तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं कि जैसे कि आपका कोयला होता है ना, कोयले में अगर आप एयर पास करो तो बहुत तेजी से आपका बर्न करता है, ठीक है ना। तो वही हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। कटलिस हमारा कैसा है, कोल्ड है। कोल्ड का मतलब क्या, उसका टेम्परेचर अभी भी 500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, ठीक है ना। कोल्ड होकर के वो 25-27 पे नहीं आ गया, अभी भी उसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। उसको क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर रिजेंडर आपका रिजेंडर यूनिट में ले जाकर के इसका करते हैं, नीचे से एयर पास करते हैं और उसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं। बर्न करने में क्या होगा, इसकी सरफेस पे बेटा अभी बताया तो कोकिंग वर्जिन और कैटलिटिक नेफ्था बताया तो मैंने, दिशा बेटा अभी बताया मैंने इस चीज का। क्वेश्चन जो आपसे अभी तक का आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2004 के आसपास का क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा गया था आपसे कि द मोस्ट द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर द प्रोडक्ट फॉर द रॉ मटेरियल फॉर द सीसी यूनिट इज, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पूछा गया था कि आप प्रेफरेंस किसको देंगे, ठीक है ना, प्रेफरेबल कौन सा है। तो प्रेफरेबल सबसे पहले आता है आपका वर्जिन नेफ्था, अपने को चाहिए होता सबसे पहले वर्जिन नेफ्था चाहिए होता। अभी लिखा भी है मैंने यहाँ पर, नहीं लिखा यहाँ पर, मैंने लिखा बताया भी अभी भी कि वर्जिन नेफ्था सबसे पहले चाहिए होता। वर्जिन का मतलब हो गया सबसे पहले जो आपका आ रहा था वैक्यूम डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट से, वहां से जो नेफ्था आ रहा था, ठीक है ना, उसको बोलते हैं नेफ्था। एक्चुअली में क्या है, वो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड है, उसमें कार्बन रेंज आपकी डिसाइड नहीं है, तो उसको हम लोग नेफ्था बोल देते हैं, क्योंकि उसको प्रोडक्ट का भी कोई नाम नहीं है। उस पर्टिकुलर नेफ्था से हम लोग पेट्रोल डीजल केरोसिन भी निकालेंगे, और उसी नेफ्था से हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड निकालेंगे, और उसी नेफ्था से हम लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल प्रोपेन ब्यूटेन एथीन जो होते हैं ना वो भी निकालते हैं, ठीक है। तो पहला प्रेफर होता है आपका वर्जिन नेफ्था, इसके बाद आपका आता है कैटलिटिक नेफ्था, सबसे लास्ट में आता है कोकिंग नेफ्था, क्योंकि कोकिंग नेफ्था सबसे आपका घटिया सामान होता है, ठीक है ना, वो सबसे लास्ट यूनिट होती है रिफाइनिंग कोकिंग वाली, तो सबसे लास्ट में प्रेफर करते हैं उसको, ठीक है। चलो तो ये पर्टिकुलरली आपका जो कैटलिस्ट आया है इसको हम लोग एयर की प्रेजेंस में हीट अप कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो उसके सरफेस पर जो डिपॉजिट कार्बन है वो क्या होगा, बर्न हो जाएगा। बर्न होकर के वो हमारा क्या होता है, वो आपका टॉप से निकल जाता है, क्योंकि यहां पर भी क्या सॉलिड और एयर दोनों का आपका क्या सेपरेशन हो रहा है, तो यहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, साइक्लोन का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो साइक्लोन के थ्रू सेपरेशन होता है, सॉलिड हमारे पास नीचे आपका कैटलिस्ट हुआ वो नीचे गिर जाता है, और जो आपका एयर है और एयर में क्या हो गया, आप तो कार्बन भी डिजॉल्व हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं फ्ल्यू गैसेस या एग्जॉस्ट गैसेस। यहां से जो फ्ल्यू गैसेस निकलती है टॉप से, ये जो टॉप से फ्ल्यू गैसेस निकलती है इनका टेम्परेचर होता है 700 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक, ठीक है ना। तो इस टेम्परेचर के अगर कोई भी गैस है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको आराम से स्टीम जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो स्टीम के थ्रू हम बहुत से अपने टास्क जो है ना वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपका क्या होता है, कटलिस फिर से रिजनरेट हो जाता है, हॉट हो जाता है, उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है, उसको दोबारा से क्या करते हैं आपका रिएक्शन में हम लोग पार्ट लेने के लिए यूज कर लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर पूरी की पूरी रिएक्शन में हम लोगों ने कहीं भी एक्सटर्नल हीट जो है प्रोवाइड नहीं की, ठीक है ना, कटलिस को दोबारा से हम लोगों ने उसका क्वांटिटी जो है ना यूज नहीं किया, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ रिफाइनरी, क्योंकि ये एक तरह से आपकी जीरो कॉस्ट पे रन करती है, यहाँ पर कहीं भी हमें एक्सटर्नल आपका एक्स्ट्रा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, आप कटलिस को रिसाइकिल करते रहो, रिजनरेट करते रहो, बार बार यूज करते रहो, ठीक है ना। तो एक चीज क्वेश्चन जो यहां से आया है हर बार, बेटा कैटलिटिक रिफॉर्मिंग की बात हो या कैटलिटिक क्रैकिंग की बात हो, कहीं के लिए भी पूछा जाए, अपने लिए प्रेफरेबल जो आपका फीड है वो हमेशा वर्जिन नेफ्था ही होगा, ठीक है ना, फिर कैटलिटिक नेफ्था होगा, फिर होगा कोकिंग नेफ्था, ये दिमाग में बिल्कुल बैठा करके चलो, ठीक है। अगर आपको पर्टिकुलर जितनी भी यूनिट्स हैं रिफाइनिंग की, अगर उनका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपको पता है किस ऑर्डर में आपकी होती हैं, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो आराम से दे लोगे, ठीक है। चलो
तो यहां पर जो क्वेश्चन आया वो ये आया कि हम लोगों ने ये जो रिएक्टर यूनिट थी इसमें हम लोगों ने क्या किया था, विद द हेल्प ऑफ हॉट कटिंग हम लोगों ने हीट प्रोवाइड की थी। तो अगर किसी भी रिएक्शन में अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक, ठीक है ना। और यहां पर क्या हुई थी, जैसे ही हम लोगों ने एयर पास किया यहां पर क्या हो गया, हीट जनरेशन स्टार्ट हो गया था। कोई भी हम लोगों ने एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड नहीं की, सिंपली एयर पास किया और यहां पर हीट जनरेशन स्टार्ट हो गया, इसलिए रिएक्टर को आपको बोलते हैं, रिजनरेटर को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक। तो क्वेश्चन आपका जो आया हुआ है 3 से 4 बार क्वेश्चन आया है वो यहां से आया है, द टेंडेंसी ऑफ रिएक्टर एंड रिजनरेटर, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। ठीक है, क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताओ मेरे को अगर कोई डाउट है तो मेरे को जल्दी बताओ। कोई डाउट है, नहीं डाउट है, रिप्लाई करो भाई जल्दी से। चलो अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं होगा। तो क्वेश्चन यहां से जो आता है वो आता है, देखो क्वेश्चन कौन कौन से आ चुके हैं, ये पूछा जाता है कि एक बार ये पूछा गया था कि कैटालिटिक क्रैकिंग इज अ, ठीक है ना, कार्बन रिजेक्शन प्रोसेस, कोकिंग प्रोसेस, ठीक है ना, और हीटिंग प्रोसेस, या फिर इस तरह से कुछ क्वेश्चन था वो। तो वहां पर जनरली बहुत से लोग जो टिक करके आए थे वो टिक करके आए थे कोकिंग प्रोसेस, लेकिन मैंने क्या बोला कि आपका कैटालिटिक क्रैकिंग जो है पूरी की पूरी कोकिंग प्रोसेस जो होती है, कोकिंग का मतलब होता है वहां पर कार्बन जो आपका है उसको मैक्सिमम क्वांटिटी में हम लोगों को क्या करना होता है, जनरेट करना होता है। तो कोकिंग की रिफाइनरी में अलग सी यूनिट होती है जहां पर मैक्सिमम पार्ट जो होता है ना वो कार्बन जनरेशन का होता है, कार्बन जनरेशन को कोकिंग बोलते हैं, यहां पर कार्बन रिजेक्शन होता है, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं, फिर अगली यूनिट में आते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं रिफॉर्मिंग की। भाई पूरी आपकी सीटी का एक तरह से बोलो आपकी, या फिर रिफाइनरी का भी बोल सकते हो आप, सीटी का बोल सकते हो, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको रहता है रिफॉर्मिंग। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, पर्टिकुलरली कोई भी जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको तोड़ मरोड़ करके दोबारा से नए स्ट्रक्चर में फॉर्म करेंगे, उसको बोलते हैं रिफॉर्मिंग, एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में रिफॉर्म करना, ठीक है ना। तो कोई भी अगर हमारा काम क्या है यहाँ पर, कोई भी अगर स्ट्रेट चेन है, कोई भी अगर स्ट्रेट चेन है तो इसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, आइसोमेरिक कंपाउंड में, ठीक है ना। तो अपना टास्क जो रहेगा वो ये रहेगा। तो सिंपली यहां पर रिएक्शन क्या होती है, यहां पर जो लिखे हुए टर्म है ये आपको पता है, सिंपली यहां पर या तो यहां पर डिहाइड्रोजनेशन होगा, या तो साइक्लाइजेशन होगा, ठीक है ना, या तो एरोमेटाइजेशन होगा, ये बेसिक टर्म्स हम लोग यूज करते हैं। तो जनरली यहां पर होता क्या है कि डिहाइड्रोजनेशन ऑफ नेफ्थीन या पैराफिन्स, जो नेफ्थीन्स है, नेफ्थीन का अगर डिहाइड्रोजनेशन करोगे तो एरोमेटिक में कन्वर्ट होगा, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अगर पैराफिन्स की बात करते हो, ठीक है ना, तो वो भी हमारा किसमें आएगा, पहले ओलेफिन में आएगा, फिर ओलेफिन से कन्वर्ट होगा किसमें, नेफ्थीन्स में, नेफ्थीन से आएगा आपका अल्टीमेटली एरोमेटिक कंपाउंड में। तो यहां से रिफॉर्मिंग यूनिट से जो मेजर कंपाउंड निकलते हैं, इस यूनिट का सिंपल सिग्निफिकेंस ये है कि इस यूनिट का काम है केवल और केवल आपका जो फ्यूल है उसका ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करना, जो कि पॉसिबल है रिफॉर्मिंग के थ्रू ही, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन जिसकी केमिस्ट्री से आता है वो ये आता है कि विच वन इज नॉट डिजायरेबल रिएक्शन फॉर द कैटालिटिक रिफॉर्मिंग। पूछा नहीं गया आज तक, लेकिन कभी पूछ सकता है कि विच वन इज नॉट डिजायरेबल रिएक्शन फॉर द कैटालिटिक रिफॉर्मिंग। आपके सामने क्या क्या लिखा हुआ है, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ नेफ्थीन्स एंड एरोमेटिक्स, आइसोमराइजेशन ऑफ पैराफिन्स एंड नेफ्थीन्स, एंड डिहाइड्रोसाइक्लाइजेशन ऑफ पैराफिन्स एंड एरोमेटिक, मतलब डिहाइड्रोजनेशन होगा फिर साइक्लाइजेशन होगा। तो अल्टीमेटली अपने को कन्वर्ट करना है किसमें, एरोमेटिक कंपाउंड में, क्योंकि अगर एरोमेटिक कंपाउंड आपका हाई होगा तभी आपका जो जो फ्यूल है उसका ऑक्टेन नंबर हाई होगा, ठीक है। यहां पर एक रिएक्शन होती है जो कि अनडिजायरेबल है, इसको नोट कर लो सब लोग, उसको बोलते हैं हाइड्रोक्रैकिंग ऑफ पैराफिन्स। ये रिएक्शन जो है ना ये आपकी कैसी होती है, अनडिजायरेबल रिएक्शन है, क्योंकि ये जो पैराफिन्स है ना, हाइड्रोक्रैकिंग अगर आप करोगे पैराफिन्स की, ठीक है ना, तो ये हाइड्रोक्रैकिंग पैराफिन्स की जनरली क्या करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, आप क्या हाइड्रोक्रैकिंग का मतलब क्या, आप हाइड्रोजन ट्रांसफर कर रहे हो उसको, ठीक है ना। तो अगर आप हाइड्रोजन ट्रांसफर कर रहे हो, जो कंपाउंड सैचुरेटेड है पैराफिन से, जो सैचुरेटेड कंपाउंड को आपने क्या किया, हाइड्रोजन और दे दिया, वो कैसा हो गया, वो हो गया अनसैचुरेटेड। तो अगर वो अनसैचुरेटेड हो गया तो मतलब कि वो ओलेफिन वाले फॉर्म में आपका कन्वर्ट होने लगा, तो वो ओलेफिन जो है ना आपका, ठीक है ना, फिर ओलेफिन का जो आप कंपोजिशन होगा पूरे के पूरे रिएक्शन में, फिर वो आपका लगातार बढ़ता जाएगा। तो अपने लिए ये जो प्रोसेस है ना, हाइड्रोक्रैकिंग ऑफ पैराफिन, ये नॉट डिजायरेबल होती है, ठीक है ना।
कई बार ये चीज पूछी जा चुकी है आप लोगों से, इसको नोट कर लेना, ये नॉट डिजायरेबल रिएक्शन होती है इन द केस ऑफ रिफॉर्मिंग, और ये जितनी भी रिएक्शंस आपके लिखी हुई हैं ज्यादा डिजायरेबल रिएक्शंस। तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है कि हमें उसका स्ट्रक्चर जो है ना, स्टेट स्ट्रक्चर को किसी भी तरह से ब्रांच में या आइसोमरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो तो बात करते हैं रिफॉर्मिंग में। तो रिफॉर्मिंग में एक्चुअली होता क्या है कि अपने को ये एक सिंगल यूनिट ऐसी है, देखो यहां पर क्या होगा, डीहाइड्रोजनेशन होगा, होगा ना, बहुत सी जगह डीहाइड्रोजनेशन होगा। तो अगर डीहाइड्रोजनेशन अगर होगा तो वहां पर हाइड्रोजन रिजेक्शन हो रहा है ना, हाइड्रोजन रिजेक्ट हो रही है, तो हाइड्रोजन अगर रिजेक्ट हो रही तो हाइड्रोजन कहां जाएगी, मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन ट्रांसफर नहीं चाहिए अपने को, ठीक है ना। तो वो हाइड्रोजन अगर रिजेक्ट होगी तो वो हाइड्रोजन हमारी जो है ना इस पर्टिकुलर यूनिट में एज अ बाय प्रोडक्ट निकलती है, ठीक है ना, एज अ बाय प्रोडक्ट निकलती है। ये सिंगल यूनिट ऐसी है जो कि हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करती है, इस हाइड्रोजन का हम लोग फर्दर यूज करेंगे हाइड्रोक्रैकिंग में और हाइड्रोट्रीटिंग में, ठीक है। तो ये सिंपल, अब देखो एक अगला जो क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है वो क्वेश्चन और सुनो। क्वेश्चन ये है कि पर्टिकुलरली जितनी भी प्रोसेस आप पढ़ रहे हो, जितनी प्रोसेस आप पढ़ रहे हो, क्रैकिंग पढ़ रहे हो आप, ठीक है ना, इसके बाद रिफॉर्मिंग पढ़ रहे हो आप, रिफॉर्मिंग के अंदर ही आइसोमराइजेशन हो रहा है, रिफॉर्मिंग के अंदर आइसोमराइजेशन हो रहा है, आइसोमराइजेशन की एक अलग से भी यूनिट होती है। उसका काम क्या है कि सिंपल जो नॉर्मल आपके कंपाउंड्स हैं जैसे कि नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन, इसको आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ये आइसोमराइजेशन यूनिट का काम रहता है। नॉर्मल छोटे कंपाउंड, हैवियर कंपाउंड नहीं, जो छोटे कंपाउंड हैं इनको आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। इसके बाद एक यूनिट और आएगी, वो आएगी एल्काइलेशन। पहले ही बता दे रहा हूं, मुझे बताना चाहिए था बाद में लेकिन मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ये हो सकता है अभी चीज आपको ना पता हो। तो क्रैकिंग, रिफॉर्मिंग, आइसोमराइजेशन और एल्काइलेशन, ये यूनिट्स के नाम है, ये प्रोसेस के नेम भी है, ठीक है ना, यूनिट प्रोसेस के नेम्स भी हैं। तो क्रैकिंग रिएक्शन जो रिएक्शन है, सिंगल रिएक्शन एक ऐसी है जो कि आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्रैकिंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। बहुत से लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं क्योंकि वो अभी देख करके आए ना पीछे वाला जो क्रैकिंग रिएक्शन देखी है, एफ्रोडाइट कैटालिटिक क्रैकिंग, वहां पर उनको ये ध्यान है, एंडोथर्मिक वाला पार्ट वो भूल गए, ठीक है ना। वहां पर तो दो चीजें आ रही थी, पहले तो कंफ्यूजन आएगा कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक है। तो वहां पर जो रिएक्शन आप क्रैकिंग की देख करके आए हो, कोई भी जो क्रैकिंग रिएक्शन आपकी है वो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, कोई भी क्रैकिंग रिएक्शन जो है, क्योंकि वहां पर अपने को हीट सप्लाई करनी होती है। इसके अलावा रिफॉर्मिंग की बात कर रहे हो, ठीक है ना, आइसोमराइजेशन की बात कर रहे हो या एल्काइलेशन की बात कर रहे हो, ये सारी की सारी रिएक्शन जो आपके सामने लिखी हुई है, एक चीज गांठ बांध लेना, ये कैसी होती है, ये सारी की सारी रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सारी की सारी रिएक्शन कैसी है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। चलो अब आगे बात करते हैं। तो रिफॉर्मिंग में सिंपली क्या होता है पता चल गया अपने को, अपने को करना क्या है कि हाई ऑक्टेन नंबर जो प्रोडक्ट है ना उसका प्रोडक्शन करना है वहां पर, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं रिफॉर्मिंग के बाद। रिफॉर्मिंग के बाद जो अगली यूनिट आती है उसको बोलते हैं एल्काइलेशन। एल्काइलेशन करना क्या है अपने को, एल्काइलेशन का जो मेन रोल है वो ये है कि आइसोपैराफीन, अच्छा रिफॉर्मिंग का मैंने कैटलिस्ट नहीं बताया, जो रिफॉर्मिंग का कैटलिस्ट नहीं बताया मैंने, रिफॉर्मिंग का जनरली हम लोग जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो यूज करते हैं प्लैटिनम सपोर्टेड ऑन पोरस एलुमिना या फिर रोडियम सपोर्टेड ऑन पोरस एलुमिना। आपके सामने ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, प्लैटिनम, प्लैटिनम और रोडियम, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। सपोर्ट क्या होता है, पोरस एलुमिना जो होता है उसका बेड होता है, एलुमिना का बेड होता है, ठीक है ना, उस पर क्या करते हैं हम लोग, ये जो आपके प्लैटिनम या रोडियम है मोस्ट ऑफ द केस में प्लैटिनम यूज करते हैं। प्लैटिनम को क्या करते हो, जो पोरस आपका, जहां पर पोरस आपका होल्स हैं वहां पर क्या करते हैं, प्लैटिनम हम लोग पुटअप कर देते हैं। तो उन पोर से होकर के जब वेपर आपकी राइज करती है ना उस कॉलम में, तो वहां पर आपकी क्या होती है, क्रैकिंग रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो ये कैटलिस्ट यूज करते हैं कहां पर, ये कैटलिस्ट हमारे यूज होते हैं रिफॉर्मिंग के लिए, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कैटलिस्ट से पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, एल्काइलेशन की। तो एल्काइलेशन में सिंपली होने क्या वाला है कि जो आइसोपैराफीन्स, जो आइसोपैराफीन हमारे पास है ना, किसी भी तरह से वो आइसोपैराफीन में कन्वर्ट हुआ हो, सपोज मान लो वो आपका एफसीसी से या फिर आपका नॉर्मल रिफॉर्मिंग यूनिट से आइसोपैराफीन में कन्वर्ट हुआ है। अब उस आइसोपैराफीन को देखो हम लोग कैसे ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करेंगे, तो आइसोपैराफीन की रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ में, ओलेफिन। अगर ओलेफिन आपकी जनरेट हो गई है, तो अगर ओलेफिन आपके पास है वो आपकी एफसीसी से बनकर के आई हो या फिर आपकी रिफॉर्मिंग से आई हो, तो वो अगर जनरेट हुई है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, उसको कन्वर्ट कर देते हैं एल्काइलेट में, एल्काइलेट में, ठीक है। एग्जाम्पल सुन लो, पूरी रिएक्शन तो इसकी तीन या चार स्टेप की रिएक्शन होती है, पूरी रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। सपोज मान लो ये लिखा हुआ है आपके सामने, दो प्रोडक्ट लिखे हुए हैं अच्छे से जानते हो, एक आइसोमरिक प्रोडक्ट है आपका आइसोपैराफीन और आपका क्या है ओलेफिन। ये अगर आपके सामने प्रोडक्ट लिखा हुआ है,
इसकी अगर रिएक्शन होती है ना, तो ये बनता है आपका ठीक है ना, कितना कार्बन रेंज आ गई, कार्बन रेंज आपकी 8 आ गई। और दूसरा क्या है, ये पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट आपका होगा ना, ये आइसोमेरिक फॉर्म में होगा, ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो होगा ये आइसोमेरिक फॉर्म में होगा, मतलब ब्रांच फॉर्म में होगा, इस तरह से होगा ये प्रोडक्ट। ये रिएक्शन मैं लिखाता हूँ, जब ये रिएक्शन मैंने डिटेल में बताई थी आप लोगों को, प्रीवियस आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें आपको पता चला होगा इस तरह से स्ट्रक्चर इसका निकल करके आता है ठीक है ना। तो यहां से एक फायदा ये होता है कि अपने पास C8 जो रेंज आ गई, ये पेट्रोल गैसोलीन की रेंज होती है, कार्बन रेंज होती है C8, तो अपने पास गैसोलीन फ्यूल भी निकल करके आ गया और आइसोमेरिक फॉर्म में है, मतलब कि उसका ऑक्टेन नंबर भी हाई है। तो जनरली एल्काइलेशन का हम लोग जो यूज करते हैं वो होता है आपका ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करने के लिए। पूरी रिफाइनरी में मेजर 3 यूनिट्स तो हमारी होती हैं जिनके थ्रू हम लोग ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करते हैं। सबसे पहले रिफॉर्मिंग आती है, फिर एल्काइलेशन आती है, फिर आती है आइसोमराइजेशन ठीक है। चलो सब रट के बैठे हो है ना, अब एल्काइलेशन के बाद अगली बात करते हैं जरा। इसके बाद आती है हाइड्रोटेटिंग ठीक है ना। उस जनरली यूनिट हाइड्रोटेटिंग और हाइड्रोक्रैकिंग, ये दो यूनिट का कॉम्बिनेशन होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रो प्रोसेसिंग, जिसके अंदर अपनी क्या होती है पूरी की पूरी हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कराते हैं। तो स्टार्टिंग में बात किया था निकिल वेनेडियम सल्फर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जो कि हाइड्रोफिलिक इंप्योरिटीज हैं, इनको हम लोग को ट्रीट करना होता है, इनको रिमूव करना होता है। तो इनको रिमूव करने का जो मेन टास्क होता है वो होता है हमारे पास हाइड्रोट्रीटिंग यूनिट में ठीक है ना। यहाँ पर क्या करते हैं हाइड्रोट्रीटिंग में, यहाँ पर अपने को सल्फर नाइट्रोजन ऑक्सीजन ठीक है ना, निकिल और वेनेडियम, इनको रिमूव करने का ट्राई करते हैं, रिमूव करने का ट्राई करते हैं ठीक है ना। कुछ हद तक सक्सेस भी हो जाते हैं, लेकिन ये जो है सल्फर जो है ना, और ये निकिल और वेनेडियम, ये आसानी से इतनी जल्दी रिमूव नहीं होते हैं। कुछ पार्ट तक रिमूव हो जाते हैं लेकिन इतनी आसानी से रिमूव नहीं होते हैं। सल्फर हम करते क्या, हाइड्रोजन के साथ में सिंपल ट्रीटमेंट, यहाँ पर कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है, सिंपल ट्रीटमेंट हो रहा है। हाइड्रोजन के साथ में ट्रीटमेंट करेंगे, ये सल्फर कन्वर्ट होगा किसमें, हाइड्रोजन सल्फाइड में। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बताओ कि हाइड्रोट्रीटिंग यूनिट में क्या प्रोडक्ट या आपका जो रिएक्टेंट होता है उसके ऑक्टेन नंबर में कोई चेंजमेंट होता है कि नहीं होता है ठीक है ना। सोचो जरा एक मिनट, नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है आपका अमोनिया में और ऑक्सीजन कन्वर्ट होता है आपका वाटर में ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या पूछा, कि हाइड्रोट्रीटिंग यूनिट में पर्टिकुलरली रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के ऑक्टेन नंबर में कोई चेंजमेंट होता है कि नहीं होता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। इसका आंसर आपको क्या देना है, कोई चेंजमेंट नहीं होता है, क्योंकि यहां पर हम लोग ऑक्टेन नंबर के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। सिंपली यहां पर जो आपकी पर्टिकुलरली उस प्रोडक्ट में या उस रिएक्टेंट में जो अवेलेबल इंप्योरिटीज हैं इन द फॉर्म ऑफ अर्थ मेटल्स, सल्फर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, अगर इन फॉर्म में अगर अवेलेबल है सिंपली, तो उनको हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। इतना केवल हम लोग काम कर रहे हैं ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का। तो ये काम होता है हाइड्रोट्रीटिंग का। इसके बाद आपकी अगली यूनिट होती है हाइड्रोट्रीटिंग के बाद हाइड्रोक्रैकिंग ठीक है ना। तो हाइड्रोक्रैकिंग के अंदर क्या करते हैं, अब यहां पर आपकी क्या होगी, हाइड्रोजिनेशन एंड क्रैकिंग, दो रिएक्शन होती है। जरा ध्यान सुन लो, इसके जरा रिएक्टेंट सुन लो, इसके जो कैटलिस्ट है वो सुन लो जरा। जो नाइट्रोजन है आपका, सल्फर और नाइट्रोजन, इन दो को रिमूव करने के लिए अपने को कैटलिस्ट की नीड होती है हाइड्रोट्रीटिंग में। जो सल्फर हम लोग यूज करते हैं उसमें यूज करते हैं निकिल, निकिल और मॉलिब्डेनम, और यहां पर यूज करते हैं कोबाल्ट और मॉलिब्डेनम, सॉरी कोबाल्ट और मॉलिब्डेनम, ये दो हमारे पास कैटलिस्ट जो है यूज किए जाते हैं फॉर द सल्फर एंड नाइट्रोजन रिमूवल ठीक है। अब अगर बात करते हैं हाइड्रो प्रोसेसिंग की, हाइड्रो क्रैकिंग की बात करते हैं, तो वहां पर हाइड्रोजिनेशन और क्रैकिंग दो रिएक्शन हो रही हैं। तो हाइड्रोजिनेशन अगर रिएक्शन करानी होती है, तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन आपको अगर करानी होती है तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं मॉलिब्डेनम सल्फाइड या फिर टंगस्टन सल्फाइड का। अगर क्रैकिंग रिएक्शन करानी होती है, तो क्रैकिंग रिएक्शन के लिए अपने को जो नीड होती है वो चाहिए होता है सिंपल सा आपका सिलिका एल्यूमिना कैटलिस्ट ठीक है ना। अगर हाइड्रोक्रैकिंग की बात करते हैं तो वहां पर केवल इतना नोट कर लो जो मैंने बोला, हाइड्रोक्रैकिंग में अपने को जो नीड होता है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में क्रैकिंग रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है, हाइड्रोजिनेशन, दो रिएक्शन होती है यहां पर, हाइड्रोजिनेशन होता है और दूसरा क्या होता है, क्रैकिंग, ये दो चीजें होती हैं। सबको पता है दोनों का रोल क्या है। हाइड्रोजिनेशन में हमारा क्या होगा, पर्टिकुलरली जो कोई भी आपका कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन का एडिशन होगा, हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा। अगर सैचुरेटेड है तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, अगर अनसैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड भी हो सकता है। तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हमारे पास होती है मॉलिब्डेनम सल्फाइड या फिर टंगस्टन सल्फाइड के साथ में, और जो क्रैकिंग रिएक्शन होती है वो होती है सिलिका, सिलिका एल्यूमिना की प्रेजेंस में ठीक। ठीक है भाई, क्या हुआ दिशा बेटा, नहीं क्या बोलना चाहते हो,
चलो तो ये बात हो गई भाई हाइड्रो क्रैकिंग की और हाइड्रो ट्रीटिंग की। इसके बाद लास्ट यूनिट आती है विस ब्रेकिंग और कोकिंग। विस ब्रेकिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अब जो जितनी भी यूनिट्स का रेजिड्यू है, ध्यान सुनना, विस ब्रेकिंग और कोकिंग जो है ना ये थर्मल क्रैकिंग के बेसिस पे ऑपरेट करती हैं, यहाँ पर कोई भी कटलीस यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जितनी भी हम लोगों ने यूनिट पढ़ी इन सब का जो रेजिड्यू है वो ट्रीटमेंट अब होने वाला है कहाँ पर, उन सब का ट्रीटमेंट होगा विस ब्रेकिंग और कोकिंग में। तो विस ब्रेकिंग में क्या करेंगे, जो भी आपका रेजिड्यू आ रहा है ना उसकी विस्कोसिटी को डिक्रीज करेंगे। तो विस्कोसिटी को डिक्रीज करने का मतलब ये है कि उसका पोर पॉइंट जो है इंक्रीज करना, क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कई बार, ठीक है। तो विस्कोसिटी डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा हमारा, वो कोई भी अगर गाढ़ा है, कोई भी चीज अगर विस्कस है तो उसको अगर क्या करना है, थिक को अगर थिन करना है तो विस्कोसिटी डिक्रीज करोगे ना आप, ठीक है। तो वहां पर क्या करते हैं हम लोग, हीटिंग पर्पस का यूज करते हैं। तो हीटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, उसका विस्कोसिटी को रिड्यूस करते हैं, उसके पोर पॉइंट को इंक्रीज करते हैं। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, वहां पर एक बार क्रैकिंग रिएक्शन और कराते हैं, वहां से कुछ वैल्यूएबल कंपाउंड निकलते हैं तो उनको निकालते हैं। सबसे लास्ट होती है कोकिंग। कोकिंग में जनरली क्या होता है, वो आपका कोक जनरेशन प्रोसेस है, कोक को जनरेट करते हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े बर्नर्स होते हैं, बर्नर्स के थ्रू क्या करते हैं, डायरेक्ट हीटिंग की जाती है, जो आपका फ्यूल होता है उसकी डायरेक्ट हीटिंग की जाती है और आपका कोक जनरेट होता है। कोक ड्रम्स होते हैं, उसमें कोक डिपॉजिट होता है, ठीक है ना। उस कोक को क्या करते हैं, हर बार जितने बार आपका कोक ड्रम फिल हो जाता है, हाइड्रोजनेशन में पैलेडियम यूज होता है। हाँ हाँ यूज करते हैं बेटा, हाइड्रोजनेशन में पैलेडियम यूज करते हैं, पैलेडियम विद मॉलिब्डेनम सल्फाइड एंड टंगस्टन सल्फाइड। और दिशा पूछ रही है हाइड्रोकैकिंग एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होगी, हाइड्रोकैकिंग एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होगी, कैसी होगी बताओ जरा मेरे को। हाइड्रो क्रैकिंग के अंदर दो रिएक्शन हो रही है, इस चीज का ध्यान रखना, वहां पर हाइड्रोजनेशन भी हो रहा है और क्रैकिंग रिएक्शन भी हो रही है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजनेशन कैसी रिएक्शन होती है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कैसी होती है सबको अच्छे से पता है। अगर हाइड्रोजनेशन की कहीं भी बात करोगे सीधे बोलोगे हाइड्रोजनेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लेकिन क्रैकिंग रिएक्शन कैसी है, क्रैकिंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन की जब बात करेंगे, हाइड्रो क्रैकिंग की जब ओवरऑल रिएक्शन की बात करेंगे तो वो एंडोथर्मिक निकल करके आएगी, ठीक है। हाँ, क्रैकिंग ऑलवेज एंडोथर्मिक होती है, वेरी गुड। तो मैंने यहां पर कुछ गलत बोला क्या अभी तक, मैंने हाइड्रो क्रैकिंग में टेम्परेचर वाली कोई अभी तक बात नहीं की है। मैंने पीछे जो लिखा हुआ था उसको ध्यान से देखो, वहां पर लिखा हुआ था क्रैकिंग हाइड्रोजन ट्रांसफर एल्काइलेशन और आइसोमराइजेशन, केवल इतने पॉइंट लिखे थे, वहां पर हाइड्रो क्रैकिंग नहीं लिखा था कहीं पर भी, ठीक है ना। ये एक कॉमन सेंस वाली बात है कि हाइड्रोजनेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड क्रैकिंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ओवरऑल जो पूरा का पूरा रिएक्शन होती है वो आपकी एंडोथर्मिक होती है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े भाई, तो हम लोग विस ब्रेकिंग की बात कर रहे थे। विस ब्रेकिंग के अंदर सिंपली कोई भी कटलिस यूज नहीं करते हैं, सिंपली अपने क्या करना है, कोक जो हैवियर हाइड्रोकार्बन उनको ब्रेक करना है केवल विद द हेल्प ऑफ हाई टेम्परेचर। तो विस ब्रेकिंग इज अ माइल्ड थर्मल क्रैकिंग प्रोसेस, बट कोकिंग इज अ एक्सट्रीम थर्मल क्रैकिंग प्रोसेस, ठीक है। चलो यहां तक कोई डाउट है, यहां तक किसी कोई डाउट है, जल्दी बताओ भाई फिर मैं आगे मूव करूं। सारा डाउट क्लियर हो गया ना, चलो फिर आगे मूव करते हैं। कहीं पर अगर कोई भी पॉइंट अगर रह गया हो, जैसे मान लो मैंने अभी एल्काइलेशन बताया, एल्काइलेशन में कटलिस मैंने नहीं बताया, ठीक है ना। एल्काइलेशन के अंदर जनरली हम लोग एसिड बेस कटलिस का यूज करते हैं, जहां से अपने को प्रोटॉन सब्स्टिट्यूटेड एक ओलेफिन मिलता है, ठीक है ना, वहां से अपन क्या करते हैं रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो एल्काइलेशन रिएक्शन में जनरली हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड इन दो का यूज करते हैं, जिनके प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन जो होती है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। चलो जिसको भी अभी क्वेश्चन ये निकल करके आया था, किसी ने ये पूछा था सर कि बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया क्या, बिल्कुल आया हुआ है। तो बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे जो क्वेश्चन आया हुआ है, पूरी रिफाइनरी जितनी यूनिट्स अभी तक पढ़ करके आए हो उन सारी रिफाइनरी का एक कंप्लीट ओवरव्यू आपके सामने है, ठीक है ना। चलो अगर आप पहले इस इमेज को देख चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको थोड़ा समझने की नीड है कि पूरी की पूरी रिफाइनरी जो होती है ना उसको अल्टीमेटली अगर आपको एक फिगर में डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे, उसको जरा ध्यान से देख लो एक बार।
कोई दूसरा कलर जरा चूज कर लेता हूँ क्योंकि काला सब पहले ही है यहाँ पर। चलो तो कोई भी देखो कोई भी जो सबसे पहले हम लोगों ने यूनिट पढ़ी थी, अब ध्यान सुन लो एक बार जरा जल्दी से, लास्ट में सबसे पहले हम लोगों ने यूनिट पढ़ी थी वो पढ़ी थी क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट। तो क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट जो हम लोगों ने पढ़ी थी वहाँ पर हमारे पास जो फ्यूल आ रहा था, जो क्रूड ऑयल आ रहा था, वहाँ पर क्या था, प्रीहीटेड क्रूड ऑयल था, प्रीहीटेड क्रूड ऑयल निकल करके आ रहा था ना, निकल करके आ रहा था, इसको हम लोग पहुंचा रहे थे कहां पर, क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में, जो कि कॉम्बिनेशन थी किसका, यहां पर जो अपर पार्ट है ये सिग्निफाई करता है एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट को, जो लोअर पार्ट है सिग्निफाई करता है वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट को, ठीक है ना। तो अपर पार्ट में जनरली आपके पास जो टेम्परेचर है, यहां पर देखो डिग्री फॉरेनहाइट में लिखा हुआ है, डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आप निकालना चाहोगे निकाल लोगे, अच्छे से कन्वर्जन जानते हो। तो अपर पार्ट में जनरली जो आपके पास कार्बन रेंज निकल करके आती है वो आती है यहां तक, ये जो आपको दिख रहा है ना, यहां तक की जो रेंज आती है सी वन से लेकर के C2 से लेकर के और C30 तक, ये रेंज आती है किसमें, आपकी एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट से निकलने वाले प्रोडक्ट की, ठीक है ना। इसके बाद C30 से लेकर के और आपका C40 से C45 50 तक की जो रेंज आती है वो आती है वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट की। यहाँ पर देखो नीचे लिखा भी हुआ है वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो जो टॉप सेक्शन जो आपका एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट का सेक्शन होता है, वहां से जो आपके निकलते हैं, मैंने नाम बताए थे, मैंने बताया था अनस्टेबलाइज्ड नेफ्था और स्टेबलाइज्ड नेफ्था, उसका हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, उस पर्टिकुलर स्टेबलाइज्ड नेफ्था को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वो आपका होता है लाइट वर्जिन नेफ्था और हैवी वर्जिन नेफ्था, ठीक है ना। तो जो लाइट वर्जिन नेफ्था है, ध्यान सुनो, जो लाइट वर्जिन नेफ्था है इससे अपने को मिलने वाला है विद द हेल्प ऑफ आइसोमराइजेशन, विद द हेल्प ऑफ आइसोमराइजेशन अपने को मिलने वाला होता है गैसोलीन। जो आइसोमराइजेशन यूनिट होती है मैंने यहाँ पर नहीं बताई है अभी, ठीक है ना। आइसोमराइजेशन यूनिट हमारे पास जो होती है उसको क्या करना है, पर्टिकुलरली देखो ऑलरेडी कंपाउंड कैसा है, C5 से C8 की रेंज का है, तो अपने पास जो गैसोलीन की रेंज होती है वो C8 तक की होती है। एक चीज तो दिमाग में आपको ये बैठानी पड़ेगी, पर्टिकुलरली जो फ्यूल होते हैं इनकी कार्बन रेंज कितनी होती है, तो गैसोलीन की रेंज होती है C8 तक, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका केरोसिन होता है, जो डीजल होता है, इनकी रेंज लगभग लगभग सिमिलर होती है, C11 से और C12 तक का आपका डीजल होता है, और पहले केरोसिन आता है उसके बाद डीजल आता है, ये ध्यान रखना। कभी भी रिफाइनरी में सबसे पहले आपका टॉप में गैसेस आती हैं, फिर आता है आपका गैसोलीन, फिर आता है आपका केरोसिन, उसके नीचे डीजल आता है बॉइलिंग पॉइंट की रेंज में, ठीक है ना। और कार्बन रेंज की बात करोगे तो भी आपका, ठीक है। तो आपके पास जो गैसोलीन की रेंज है C8 की रेंज का, तो उसको करना क्या था, उसको केवल हमें क्या करना था, उसको ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करना था। तो यहां से जो आपका लाइट वर्जिन नेफ्था निकला उसको हमने क्या किया, उसका लो ऑक्टेन नंबर से विद द हेल्प ऑफ आइसोमराइजेशन उसको कन्वर्ट कर लिया हाई ऑक्टेन नंबर में, और अपने को गैसोलीन जो था वो फ्यूल के फॉर्म में निकल जाता है, इसलिए हम लोग आइसोमराइजेशन का यूज करते हैं, ठीक है ना। अगला सुनो ध्यान से, जो आपका हैवी वर्जिन नेफ्था निकल रहा था जिसको हम लोग बोल रहे थे लाइट वैक्यूम लाइट गैस ऑयल, ठीक है ना, लाइट गैस ऑयल बोल रहे थे ना, जो वो लाइट गैस ऑयल जो था उसकी रेंज थी C8 से C12 तक। C12 की रेंज कहां पे आती है, C12 की रेंज आती है केरोसिन में, और C13 की रेंज आती है आपकी डीजल में, C13 C14 की। तो C12 की रेंज तक का है, इसको कन्वर्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ रिफॉर्मिंग, विद द हेल्प ऑफ रिफॉर्मिंग क्या करते हैं, यहां से C8 के कंपाउंड को गैसोलीन में कन्वर्ट कर लेंगे। C12 के आसपास के जो कंपाउंड होते हैं वो जेट फ्यूल, मैंने क्या बोला केरोसिन और जेट फ्यूल जो होते हैं सिमिलर फ्यूल होते हैं। इसके अलावा अगर रिफॉर्मिंग प्रोसेस होती, ध्यान सुनो, अगर रिफॉर्मिंग प्रोसेस होती तो वहां पर रिफॉर्मेट निकलता है। रिफॉर्मेट क्या होते हैं, एरोमेटिक रिच कंपाउंड है। बेटा मैं शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लो, मैं शेयर कर दूंगा, अब आप समझ लो, पहले अभी मैं शेयर कर दूंगा। तो जितने भी आपके रिफॉर्मेट हैं वो एरोमेटिक रिच कंपाउंड है, तो जो एरोमेटिक रिच कंपाउंड है उसमें आपके क्या आते हैं, पेट्रोकेमिकल्स आते हैं। तो वो जो आपका पार्ट होता है ना, वो जो रिफॉर्मेट वाला पार्ट होता है उसको भी हम लोग नेफ्था के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, उसको भेजते हैं कहाँ पे, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं उसका जो लोअर पार्ट होता है जिसको हम लोग बोल रहे थे हैवी गैस ऑयल। तो उसमें जो हमारे पास पार्ट है वो रेंज है C12 से C30 तक, उसको जनरली क्या करते हैं, उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ एल्काइलेशन, एल्काइलेशन यूनिट से अपने पास जो प्रोडक्ट निकलते हैं उसमें से आपका, यहाँ तक एल्काइलेशन में जो जनरली रेंज लिखी हुई है वो आपके आते हैं केरोसिन, जेट फ्यूल सिमिलर रेंज के होते हैं, फिर डीजल आता है, फिर आपका फ्यूल ऑयल आता है, ठीक है। एल्काइलेशन से आपका गैसोलीन भी निकलता है, क्योंकि जनरली हम लोग जो एल्काइलेशन प्रोसेस कर रहे हैं उसका काम भी क्या है, वो भी आपका ऑक्टेन नंबर को इन्हेंस करने का काम कर रहा है, लेकिन गैसोलीन की क्वांटिटी एल्काइलेशन से कम होती है, ठीक है ना, क्योंकि गैसोलीन की रेंज का, कार्बन रेंज का जो प्रोडक्ट है वहां पर अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं आगे, जो आपकी वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट होती है इसकी बात करते हैं जरा। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर दो फ्रैक्शन होते हैं, लाइट गैस ऑयल, लाइट वैक्यूम गैस ऑयल और हैवी वैक्यूम गैस ऑयल। ध्यान सुनना पहले, इनको करते क्या है, जनरली ये जो यूनिट है इसका जो बॉटम का पार्ट निकलता है, पूरे का पूरे इसका जो बॉटम का पार्ट निकलता है वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट का, इसको सबसे पहले पहुंचाते हैं FCC में। यहां समझते हैं जरा, FCC में पहुंचाते हैं,
ठीक है ना। एफसीसी यूनिट में क्या होता है कि वहां पर ट्रीटमेंट होने के बाद जो वैल्यूएबल फ्रैक्शंस निकलते हैं, जो वैल्यूएबल फ्रैक्शन मतलब कि एफसीसी का जो टॉप प्रोडक्ट होता है, फ्रैक्शनेशन होने के बाद एफसीसी का जो टॉप प्रोडक्ट आता है उसको पहुंचाते हैं, उसको पहुंचाते हैं कहां पर, उसको पहुंचाते हैं रिफॉर्मिंग में। यहां पर बना हुआ नहीं है, इसको मैं समझा रहा हूं आपको। एफसीसी का टॉप प्रोडक्ट पहुंचता है कहां पर, रिफॉर्मिंग में, ठीक है ना। अब एफसीसी के बाकी के जो प्रोडक्ट होते हैं, फ्रैक्शनेटिंग प्रोडक्ट होते हैं, फ्रैक्शनेटिंग का मतलब मैंने बोला क्या, टॉप प्रोडक्ट, उसमें आपका गैसोलीन भी है, केरोसिन भी है और डीजल भी है, वो सब निकल गए। अब एफसीसी का जो बॉटम होता है उसको पहुंचाते हैं कहां पर, हाइड्रोक्रैकिंग में, विस ब्रेकिंग में और कोकिंग, ठीक है। इसके अलावा जो आपका लाइट गैस ऑयल, वैक्यूम गैस ऑयल और हैवी वैक्यूम गैस ऑयल निकला था, उसका ट्रीटमेंट ही हम लोग एफसीसी के बाद कहां पर करते हैं, हाइड्रो ट्रीटिंग यूनिट में और हाइड्रो कैकिंग यूनिट में, जो कि मैं बोल रहा हूं अभी लगातार। तो वहां से अपने को देखो, हर जगह अपने को गैसोलीन, डीजल और फ्यूल ऑयल ही निकल रहा है। ये फ्यूल ऑयल जनरली क्या करते हैं ना, फ्यूल ऑयल भी हमारा क्या होता है, बर्निंग ऑयल होता है, लेकिन ये हैवियर होता है। तो इसको जनरली क्या करते हैं, जहां पर भी कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज होती है, जहां पर बॉयलर रन कराना होता है, ठीक है ना, कोई फर्नेस जलानी होती है, तो वहां पर वो लोग क्या करते हैं, इस तरह का जो फ्यूल ऑयल होता है उसको परचेज करके वो लोग ले जाते हैं और वहां पर हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। तो ये एक कंप्लीट आपका डायग्राम होता है जिसके थ्रू हमारा क्या होता है, पूरी की पूरी रिफाइनरी जो है ना वो ऑपरेट करती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो आया था, क्वेश्चन यही आया था कि प्लीज अरेंज द, हाँ बेटा, नेफ्था को क्रैक करके हम लोग, नेफ्था को क्रैक करके हम लोग पेट्रोकेमिकल का प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। वो नेफ्था कौन सा है, अब ये डिपेंड करता है, मैं यहां पर नेफ्था की कई आपकी रेंज लिखी हुई है, ठीक है ना। नेफ्था इज अ बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, और नेफ्था का कार्बन रेंज कितना है वो जस्टिफाई करेगा, क्योंकि जितने भी पेट्रोकेमिकल्स होते हैं उसमें मैक्सिमम जो आपकी हायर रेंज निकलती है वो एरोमेटिक कंपाउंड की निकलती है। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब हो गया C8, C9 तक। तो इस कार्बन रेंज का, ठीक है ना, इस कार्बन रेंज का जो आपका नेफ्था होता है, उस नेफ्था की स्टीम क्रैकिंग करते हैं, जब पेट्रोकेमिकल में आऊंगा बताऊंगा भी, उस नेफ्था की स्टीम क्रैकिंग करते हैं तब अपने पास सबसे पहले जो प्रोडक्ट निकलता है वो होता है एथाइलीन, प्रोपाइलीन, ब्यूटाइलीन, ठीक है ना। वहां से कुछ आपका लाइट गैस ऑयल भी निकलता है, गैसोलीन भी निकलता है, ठीक है। तो ये पेट्रोकेमिकल्स भी आपके निकलते हैं। तो अब आई थिंक जो क्वेश्चन आया था, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था, क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था, अरेंज द फॉलोइंग कट्स और फ्यूल्स अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उनकी बॉइलिंग पॉइंट की रेंज के हिसाब से उनको आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है, उनको अरेंज करना है, ठीक है ना। तो वहां पर ऑप्शन आई थिंक गैस का नहीं था, वहां पर गैसोलीन का था, ठीक है ना, वहां पर डीजल, केरोसिन और लुब्रिकेटिंग ऑयल, इन सब का ऑप्शन था। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले टॉप में देखो अपने पास आता है, फ्यूल गैसेस आती हैं, एलपीजी वगैरह आती हैं। सेकेंडरी जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका होता है किसका, पेट्रोल या फिर गैसोलीन फ्यूल का। टर्सनरी आपका आता है किसका, टर्सनरी आपका आता है केरोसिन का। उसके बाद आपका आता है डीजल का, डीजल के बाद आपका आता है लुब्रिकेटिंग ऑयल का, ठीक है ना। लुब्रिकेटिंग ऑयल इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, लेकिन उसके बनाने की टेक्निक थोड़ी सी अलग होती है। तो अभी तक कोई डाउट हो, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। किसी कोई डाउट है क्या? अच्छा बेटा, क्वेश्चन का कुछ आंसर मिला आपको, सेटिस्फाइड हुए आप? ये वाला डायग्राम जो है ना मैं शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मैंने जो बताया हुआ है ना, ये वाला एफसीसी का जो टॉप जाता है वो रिफॉर्मर में जाता है, ठीक है ना। इन सब का ये जो आइसोमराइजेशन, जो रिफॉर्मिंग है ना, रिफॉर्मिंग का जो बॉटम होता है, जो रिफॉर्मिंग का बॉटम होता है ना, इसका जो आता है वो आपका वापस से कहां पे आता है, वो आता है वापस से। यहां पर कोकिंग यूनिट नहीं लिखी कहीं पर भी देखो, कोकिंग का नाम नहीं लिखा हुआ, विस ब्रेकिंग का नाम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इन सब का जो बॉटम होता है ना वो आता है कहां पर, कोकिंग और विस ब्रेकिंग में। चलो, तो आज भाई अपना जो पार्ट था ना कौन सा, लिक्विड फ्यूल्स का, पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिक्विड फ्यूल्स का, वो पूरा का पूरा फिनिश हो गया। कल हम लोग बात करेंगे जो गैसियस फ्यूल्स हैं उनके बारे में, ठीक है ना। कल का पार्ट मिस मत करना, क्योंकि कल वाला पार्ट जो है ना वहां से क्वेश्चन भी आपके राइज होते हैं, ठीक है ना। प्रोड्यूसर गैस से क्वेश्चन आपका 19 में पूछा गया था, ठीक है ना। और ये जो मैंने अभी रिफॉर्मिंग बताया, रिफॉर्मिंग से क्वेश्चन भी 19 में आया था। तो क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं इन पर्टिकुलरली टॉपिक्स से, ठीक है। तो कल का पार्ट कोई भी मिस नहीं करेगा, कल गैसियस फ्यूल की बात करेंगे, अगर टाइम बचेगा तो कल हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो बस इसी तरह बेहतरीन फॉर्म में रिवीजन करते रहो,
और कोशिश करूंगा कि कल से ही आपकी जो क्वेश्चन सीरीज है ना वो क्वेश्चंस आपके जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है श्योर मार्क्स क्वेश्चन वाली, उसमें आपके एमएसक्यूज भी होंगे, उसमें आपके सिंगल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे, उसमें आपकी मैचिंग भी होगी, सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। मेरे खुद के डिजाइन किए हुए क्वेश्चन होंगे, वो आपको करने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। तो वो डिस्कशन करेंगे हम लोग। अभी हम लोग पहले एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होते जा रहे हैं ना, कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अपने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करके और एक बेहतरीन फॉर्म में आप प्रिपरेशन के साथ रेडी हो जाएं, ठीक है। चलो तो बेटा मॉर्निंग में, मॉर्निंग वाली जो क्लास अभी चल रही है, जो मोटिवेशन सेशन चल रहा है, वो यूट्यूब में होता है। आज का मैंने लिया था, ठीक है ना, कल का मनीष सर लेने वाले हैं, उसके बाद डे आफ्टर टुमारो आई थिंक फिर साइलेंस सर लेकर के आएंगे। तो आपको अल्टरनेटिंग फॉर्म में सारी फैकल्टी आपको मिलती रहेगी, डेली कुछ ना कुछ आपको 4 या 5 पॉइंट ऐसे मिलेंगे जो कि आपका प्रिपरेशन के लिए एक आपका ये समझो जड़ी बूटी की तरह होंगे, ठीक है ना, वो आपका एक अच्छे से काम करेंगे। तो उन पॉइंट को आप अच्छे से रिमेंबर करके नोट करके रखो डेली का डेली। बस 1 घंटे का सेशन होता है, ठीक है ना, उसमें कुछ एक मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए और कुछ इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के आपके टॉपिक या फॉर्मूले वो डिस्कस किए जाते हैं। मेरी जो क्लास होगी ना, हाँ केएफसी वाले बाबा की स्टोरी आज पढ़ ली सबने, है ना, केएफसी वाले बाबा की स्टोरी पढ़ ली, तो अच्छी बात है यार। बोलते हैं ना यार कि दिल तो बच्चा है, तो हमेशा ना अपना जो हार्ट है ना उसको हमेशा प्योर एंड सॉफ्ट रखो, किसी भी एज में पहुंच जाओ, हमेशा आपके लिए सारे रास्ते जो है ना बिल्कुल आसान रहेंगे, ठीक है। चलो भाई, बस मजा लेते रहो ना, आप मजा भी लेते रहो, हम लोग का जो मजा है ना, हम लोग जो मजा लेना चाहते हैं वो मजा अपने को मार्च में, बस वो मजा अपने को अगर मिल गया ना तो आपकी लाइफ तो आप एंजॉय करोगे और आप हमारे स्टूडेंट हो वो हम लोग एंजॉय करेंगे, ठीक है ना। बस इसी तरह आप मजा लेते रहो, सक्सेस आपकी बस श्योर हो, सिक्योर हो, कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं। चलो फिर फिनिश करें भाई। तो लास्ट में कोई भी अगर नया बंदा जुड़ा हुआ है तो वो जो चैनल जिसमें आप देख रहे हो मुझे उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लव यू बेटा अक्षय, लव यू, ठीक है ना। कुछ कुछ ऐसा करके जाओ कि मुझे भी आप लोग को थैंक यू, ठीक है ना, थैंक यू बोलने का मौका मिले, कुछ ऐसा करके जाना है, ठीक है। चलो बेहतरीन फॉर्म में प्रिपरेशन करते रहो, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, और कोशिश करूंगा अगर कल मॉर्निंग में अगर अरेंज होता है मेरा सेशन जो होगा स्पेशल क्लास का, वो कोशिश मैं करूंगा मॉर्निंग में रखने का, ठीक है ना। मॉर्निंग में थोड़ा फ्रेश माइंड में आप होते हो, कुछ नया सीखने को मिलेगा, और थोड़ा जो अभी पड़े पड़े सोते रहते हो ना तो थोड़ा सा उस चीज़ को भी इम्प्रूव करो। लास्ट मंथ है, ठीक है ना, लास्ट मंथ में थोड़ा सा सोना कंपलसरी है, हर चीज़ कंपलसरी है, लेकिन एक शेड्यूल के साथ में, ठीक है। अभी कुछ दिन बाद हम लोग एक आपका शेड्यूल भी लिख करके आएंगे कि उस शेड्यूल आप मेंटेन करो लास्ट मंथ में, उस शेड्यूल को फॉलो अप करो, डेफिनेटली आप रैंक लेकर के आओगे, ठीक है ना, हर चीज़ मिलने वाली है। चलो फिनिश करते हैं फिर, थैंक यू, लव यू ऑल।